अच्छा बच्चो अलकुम हमारा जो ये कोर्स है वेब डेवलपमेंट का तो आ, हमारा ये प्लान है कि हम जो है ना आप लोगों का सेमेस्टर ब्रेक को भी यूज़ करें और आपका जो है ज़रा भी टाइम ज़ाया ना होने दें इसलिए जो है ये हम कोर्स ऑफर कर रहे हैं तो माशाल्लाह ज़बरदस्त है कि बच्चे भी एक्टिव हैं हमारे पास कि वो चाहते हैं सीखना या तो इसलिए जो है वो हम इन शह आठ से नौ हमने टाइम रखा है डेली एक एक हमारी क्लास होगी और इन हम एक वीक के अंदर जो है ना वेब डेवलपमेंट को कवर कर लेंगे तो दुआ से शुरू करते हैं ربنا ظلمنا انفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من इसका मतलब ये है कि जो मतलब है इसका वो है कि हमने अपनी जानों पर ज्यादा की और अगर हम अल्लाह तला से दुआ कर रहे हैं कि अगर तूने हमारी मदद ना की हमारी नफरत ना फरमाई और हम पर रहम ना फरमाया तो जरूर हम खसारे में होंगे या नुकसान उठाने वालों में से होंगे तो कोई बच्चा जो है वो किसी को बताओ कुरान पाक की आयत है ये ठीक है और ये जो है हमारे नबियों में से एक नबी की जो है दुआ है से ये दुआ की थी तो किसी बच्चे को अगर पता हो कि ये किस नबी ने दुआ की थी हजरत आदम हज़रत आदम ने की थी ठीक है बिल्कुल सही है ये दुआ जो थी वो हजरत आदम ने की थी अल्लाह ताला से और इसको जो है वो हम कहते हैं कि ये पहली दुआ है जो आ, किसी भी इंसान ने अल्लाह ताला से की है और अल्लाह ताला ने ही सिखाई है इंसान को दुआ करनी तो और ये जो है ना लिंक में भी आपके साथ शेयर है ये मैं एक्सप्लोर कर रही थी और ये अच्छा मुझे लगा कि इसमें ना प्रोफिट्स की स्टोरीज हैं तो इसको भी आप एक्सप्लोर करें और इसमें जो है ना वो सारे नबियों की स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो स्टोरीज चल रही है कि किस तरह स्टार्टिंग से हमारे जो है ना प्रोफिट्स की आगे चली है कहानी इस्लाम कैसे फैला है तो ये भी एक है हमारी लाइफ में पार्ट के हमें जो है इसके ऊपर भी आ, सीखना चाहिए तो अब जो है ना हमारा वेब डेवलपमेंट का जो कोर्स है उसके हमारे पास ये कंटेंट्स हैं जो आउटलाइन है हमारे पास कि हम क्या क्या, -क्या चीज़ पढ़ेंगे उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले एच को हम एक्सप्लोर करेंगे फिर सी है फिर बूट है और फिर हमारे पास डाटा फ्रेम्स को कवर करेंगे वेब सर्वर को फिर वेब सर्विसेज को और फिर जावास्क्रिप्ट को अब इसको अगर हम ब्रॉडली पिक्चर देखें तो हमारे पास आ, ये पहले तीन कंटेंट्स जो हैं जो कि हम एच को सी को और बूट को कवर करेंगे इसको हम बोलेंगे कि हमारा फ्रंट एंड जो है वो इन तीन को हम जब कवर कर लेंगे तो हमारा फ्रंट एंड जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा हमारा वेब पेज जो है वो बेहतरीन डिजाइन हो जाएगा फिर उसके बाद अगले जो हैं हमारे पास तीन कॉन्टेंट्स के अंदर हम डाटा फ्रेम्स देखेंगे वेब सर्वर देखेंगे वेब सर्विसेज देखेंगे तो ये पाइथन के अंदर हम डेवलप करेंगे तो हमारा बैकहड जो है वो पाइथन के अंदर बनेगा फिर जो हमारा एक लास्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा जावास्क्रिप्ट के ऊपर इसमें हम देखेंगे कि हम जो है ना वो फ्रंट एंड और बैक एंड को जो है वो कनेक्ट कैसे करेंगे तो ये हमारा जो है वो पूरे वीक का प्लान है कोशिश है हमारी कि नौ बजे तक हमारी क्लास जो है वो वाइंड अप हो जाए लेकिन हो सकता है कि हमें जो है वो कंटेंट जो है वो थोड़ा सा लंबा चला जाए डिस्कशन पे चला जाए तो आधा घंटा जो है वो हम ऊपर एक्स्ट्रा रख रहे हैं अच्छा जी तो आज का जो हमारा है मेन एच एचटीएमएल को हम सबसे पहले टारगेट करेंगे तो अब हम देखते हैं हमारे पास एच को स्टार्ट करते हैं और उससे जो है वो हम फेमिलराइज होते हैं उससे पहले क्वेश्चन uh, ये है कि इंटरनेट क्या है हमारे पास हम इंटरनेट इंटरनेट करते रहते हैं चैट जीपीटी से हम कहते हैं नेट से हेल्प ले लें फॉरन तो इंटरनेट वैसे है क्या कोई बच्चा बच्चों आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं अगर किसी ने देना है वरना अभी तो हमारे पास इतना वो नहीं है तो कोई भी बच्चा माइक ऑन करके रिप्लाई कर सकता है क्वेश्चन हमारा ये है कि इंटरनेट है क्या हमारे पास मैम कलेक्शन डिफरेंट कंप्यूटर्स। ठीक है और जबरदस्त है कि हमारे पास इंटरनेट जो है वो डिफरेंट कंप्यूटर्स की कलेक्शन है ठीक है तो हम इसको देखें तो so, हमारे पास जो इंटरनेट है वो हम कह रहे हैं कि डिफरेंट कंप्यूटर्स और डिफरेंट डिवाइस जो है उनके हमारे पास कनेक्शन है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे पास ये इंटरनेट है और हमारे पास डाटा और इंफॉमेशन जो है वो डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ शेयर हो रही है तो अब इसकी अगर हम एनोलॉजी देखें कि हम कहें कि इसकी एग्जांपल किसी के साथ अगर हम मैप करें तो जिस तरह हम अपनी सिटीज़ को देखते हैं कि एक शहर दूसरे शहर के साथ कनेक्टेड है जिसमें हम कहते हैं कि हमारा लाहौर है फैसलाबाद है इस्लामाबाद है ये सारे आपस में हमारे पास रोड्स के साथ कनेक्टेड हैं ठीक है तो अगर हम सिटीज़ को आ, अपने पास देखें कि वो हमारे पास सपोज करें डिवाइज हैं ठीक है फिर उसके बाद हमारे पास जो रोड हैं जो इन सिटीज को कनेक्ट कर रही हैं वो हमारे पास आ, इंटरनेट है जिस तरह ये डिवाइसिस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है हमारे पास फिर अब हमने एक सिटी से दूसरे सिटी तक जाना है तो उसमें हमारे पास जो है वो कार्ड अवेलेबल हैं कि हम कार्ड के थ्रू एक सिटी से दूसरे सिटी में जा सकते हैं तो इस तरह जो हमारे पास एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक जो हमारे पास चीज लेके जाती है वो हम कह रहे हैं कि वेब पेजेस है हमारे पास और वेब पेजेस के अंदर हमारे पास क्या है जिस तरह कार है उसके अंदर हमारे पास जो है वो कोई लगेज होता है कोई सामान हम एक सिटी से दूसरी सिटी तक लेके जाते हैं उसी तरह जो हमारा वेब पेज है उसके अंदर हमारे पास डाटा होता है जो हम एक आ, अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक शेयर करते हैं और उसके अलावा जो वेब ब्राउजर्स हैं वो हम कहते हैं कि किस तरह हम वेब पेजेस के साथ कनेक्ट करेंगे वो हमारे पास मेथड है वेब ब्राउजर्स जिसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं अपने पास आ, इंटरेक्ट करते हैं वेब पेजेस के साथ तो इसकी जो है हिस्ट्री अगर हम देखें कि इंटरनेट जो है वो हमारे पास स्टार्ट कहाँ से हुआ था तो नाइनटीन सिक्सटी और नाइनटीन सेवेंटीज में सबसे पहले जो था वो यूएस में जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था उन्होंने अपने जो थे रिसर्च इंस्टीट्यूशन में कुछ कंप्यूटर्स जो थे वो एक दूसरे के साथ लिंक किए थे सबसे फर्स्ट स्टेप जो था वो उनका यहाँ से स्टार्ट हुआ था और इसको आरपा नेट बोलते हैं इसमें कोई रिसर्च एजेंसी का कुछ ये जो है एब्रीवेशन है इसकी कि वो आ, इनकी जो डिफेंस में उन्होंने अपने कुछ सिस्टम को कनेक्ट किया था फिर उसके बाद बच्चों काइंडली अपना माइक म्यूट कर दें उसके बाद आ, जो इंटरनेट हमारे पास हिस्ट्री के अंदर आगे अगर हम देखें कि हमारे पास फर्स्ट वेब ब्राउजर जो था वो 1990 में जो था वो बनाया था नेक्सेज के नाम से उसको बाद में रीनेम किया था और जो फर्स्ट वेबसाइट है हमारे पास वो बर्नर्ज ली ने जो थी वो क्रिएट की थी ठीक है तो वो थोड़ी सी हिस्ट्री बताने के लिए कि इंटरनेट शुरू कहाँ से हुआ पहली वेबसाइट जो थी वो हमारे पास कब बनी ताकि हमें जो है वो जरा थोड़ा सा आइडिया हो जाए अब क्वेश्चन ये हम वेबसाइट को कहते क्या है वेबसाइट हमारे पास है क्या तो वेबसाइट जो है वो हम कहते हैं कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस हैं किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर अगर हम जो है वो कुछ अपने पास इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं उसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट पेजेस हैं तो उन वेब पेजेस की कलेक्शन को हम ओवरऑल बोल देते हैं कि ये हमारे पास एक वेबसाइट है जिस तरह हम कहें कि इंस्टाग्राम है उसके अंदर हम कहते हैं एक दूसरे से हम चैटिंग कर रहे हैं अपना कंटेंट शेयर कर रहे हैं तो वो हमारी एक वेबसाइट है उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट पेजेस हैं हर एक की आपके पास प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन वो सारा मिलके वेब पेजेस एक वेबसाइट बना रहे हैं तो अब जो वेब पेज है हमारे पास वो क्या है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास विकी की एक वेबसाइट है आ, जिसका हमने एक वेब पेज उसके ऊपर हमने सर्च किया फायरफॉक्स तो उसने ये जो थी वो हमें दे दी है और इसको हम कहते हैं कि ये स्पेसिफिकली एक वेब पेज है हमारे पास अब ये वेब पेज जो है वो हमारे पास किन चीजों से मिलके बना है इसके अंदर हमारे पास इमेज भी लगा हुआ है कुछ हमारे पास टेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास इमेज लगा हुआ है उसके अलावा हमारे पास कुछ हाईलाइटेड चीजें हैं कि अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमें किसी और वेब पेज के ऊपर ले जाता है अलावा हमारे पास यहाँ पे लिस्ट आ रही है जिसके थ्रू हम यहाँ पे हिस्ट्री फीचर्स और ये चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं तो अगर अब हम इसको देखें तो ये हमारे पास कैसे है ये अब जो एक वेब पेज है वो हमारे पास स्पेसिफिक कॉन्टेंट्स को अलग अलग करें अगर हम तो सारे कॉन्टेंट्स को मिला के हमने जो है वो एक वेब पेज बनाया है जिसके अंदर कोई हमारे पास हेडिंग आ रही है कुछ हमारे पास जो है ये पैराग्राफ्स आ रहे हैं कुछ हाईलाइटेड है हमारे पास कुछ जो है वो है हमारे पास कुछ इमेजेस हैं तो ये सारे कंटेंट्स को मिला के जो है वो हमारा एक वेब पेज बनता है यहाँ पे अगर आप देखो तो लिस्ट भी है हमारे यहाँ पे के नंबरिंग के साथ हमारे पास कंटेंट शो हो रहा है यहाँ पे हमारे पास नंबरिंग के बगैर कंटेंट शो हो रहा है तो ये सारे कंपोनेंट्स मिलके हमारे पास एक वेब पेज बनता है और ज्यादा सारे वेब पेजेस को मिला के हम बोलते हैं कि अगर वो किसी स्पेसिफिक कंटेंट या टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो हमारे पास एक वेबसाइट बनती है और वेबसाइट जो है वो हमारे पास जो इंटरनेट पे एक दूसरे के साथ शेयर हो रही हैं तो अब हम जो है स्पेसिफिकली ये देखेंगे कि हमारे पास जो एक वेब पेज है वो किस तरह बनता है और हमारा आज का जो मेन कंसर्न है वो ये है कि हम एक कोई भी वेब पेज जो है वो बनाना सीखे अच्छा जी अब हमारे पास जो वेब पेज है वो हमारे पास एच हम कहते हैं कि सबसे पहले हमें वेब पेज बनाने के लिए एच सीखना पड़ेगा एच के साथ हमें काम करना पड़ेगा फिर उसके बाद सेकेंड जो चीज़ वेब पेज को बनाने के लिए हमें चाहिए होगी वो हमें सी चाहिए होगा और जो थर्ड चीज़ हमें चाहिए होगी वो हमें जावा चाहिए होगा तो अब जो एच है वो हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है uh, जो सी है उसकी हमारे पास फुल फॉर्म है एक स्टाइल शीट्स और जो जे है हमारे पास उसकी फुल फॉर्म है हमारे पास जावा अब uh, इन तीनों चीज़ों को मिला के हम एक कोई भी अच्छी वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं अब इसके अंदर जो है अगर हम एनोलॉजी की तरफ जाएं अभी क्योंकि हमने इन डेप्थ नहीं देखा इन सारों को हम देखेंगे इन डेप्थ ये क्या चीज़ें हैं तो अगर हम सिंपल एच डी एम एल की बात करें कि हाइपर टेक्सट मार्कअप लैंग्वेज तो हम एज्यूम कर सकते हैं जिस तरह हमारे पास एक घर हम कंस्ट्रक्शन करना शुरू करने लगे हैं और उसके अंदर हमने जो है वो दीवारें खड़ी कर ली हैं हमने जो है वो ईंटें जोड़ ली हैं सारी हमने स्ट्रक्चर पूरा का पूरा घर का खड़ा कर लिया है तो जो एच है हमारे पास वो यही काम करता है कि एक वेबसाइट का पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हमें क्रिएट करने में हेल्प करता है तो हम एच के थ्रू वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे अब जब हमने स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है उसके बाद फिर हम जो है वो सी के थ्रू क्या कर सकते हैं उसके ऊपर कलर्स अप्लाई कर सकते हैं उसकी जो है वो हम अलाइनमेंट सही कर सकते हैं तो ये सारी चीजें जो है वो हम स्केडिंग स्टाइल शीट्स के थ्रू जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर करेंगे और हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो तैयार होगा उसके ऊपर फिर हमने रंग भरने हैं फिर हमने उसमें जो अपनी वॉल्स के कलर हैं हमने उसके जो टेक्सचर्स हैं वो सारी चीजें सेट करेंगे सी के थ्रू फिर उसके बाद थर्ड पे जो जावा स्क्रिप्ट है वो क्या करता है वो हम एज्यूम uh, कर सकते हैं कि हमारे पास जिस तरह वायरिंग हो रही हैं या हमारे पास प्लम्बिंग है तो ये चीज जो है वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट वेबसाइट के ऊपर है किस तरह के अब जब घर हमारे पास बन गया है तो हमने जो है वो लाइटिंग के लिए वायर्स की है कि इस बटन को ऑन करने से जो है वो हमारा पंखा चलेगा इस बटन को ऑन करने से हमारा ए सी चलेगा इस बटन को ऑन करने से जो है वो हमारी लाइट चलेगी तो ये जो है सेम चीज हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे कि आप क्लिक करोगे किसी के ऊपर बटन के ऊपर तो क्या होगा आप माउस किसी के ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा तो ये सारी चीजें हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे तो इन तीनों चीज़ों को मिला के एच डी एम एल सी एस एस और जावा स्क्रिप्ट को तो हम अपनी पूरी वेबसाइट और फ्रंट एंड जो है वो डिज़ाइन कर लेंगे। तो अब जो है वो हम चलते हैं अपने पास एच डी एम एल के ऊपर थोड़ा सा उसको इन डिटेल देखते हैं यहाँ पे हमने जो है वो एच डी एम एल के थ्रू क्या कर सकते हैं हम इमेजेस लगा सकते हैं हम अपने पास जो है वो लिंक्स लगा सकते हैं और उसके बाद जो हमारा सी एस एस होगा वो उन्हीं चीज़ों को मिला के जो है वो उनकी अलाइनमेंट ज़्यादा अच्छी कर देगा इसके जो है वो स्टाइलिंग सेट कर देगा तो ये हम सबसे पहले अब एस एम एल पे फोकस करेंगे कि हम जो है सिर्फ अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर लें उसके बाद जो सी एस एस है उसके थ्रू हम अपनी अलाइनमेंट सही कर लेंगे जो भी कॉन्टेंट्स की हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो अब जो एस एम एल है उसके थ्रू हम क्या क्या, क्या कुछ कर सकते हैं और हम क्या क्या कुछ सीखेंगे करना वो ये के, आ, सबसे पहले तो हम जो है वो एच डी एम एल के थ्रू कर सकते हैं हम अपने पास लिंक्स ऐड कर सकते हैं किसी भी वेब पेज के ऊपर सेकेंडली हम जो है वो ऐड कर सकते हैं एच डी एम एल के थ्रू उसके अलावा हम जो है वो टेबल्स अगर हमने कोई अपना डाटा टेबुलर फॉर्म में दिखाना है तो हम टेबल्स भी ऐड कर सकते हैं और उसके अलावा हमारे पास यूजर से इंटरेक्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्म्स हैं जिसके थ्रू हम डाटा अपने पास यूजर से लेके फिर पीछे जो भी प्रोसेसिंग करनी है वो हम कर सकते हैं तो मेनली हमारे पास जो है यही सारी चीजें हैं अब जैसा हमने कंसोल से पहले इनपुट लिया है हमेशा अब हम जो है वो यूजर से वेब पेज के ऊपर इनपुट लेना देखेंगे बाकी वही चीज है कि हमने सी पे डाटा शो करवाया हुआ है तो हम टेबुलर -टे फॉर्म के अंदर एच में देखेंगे डाटा शो करवाना

तो हाइपर टेक्स्ट जो है इसका मतलब यह है कि आपका कोई भी ऐसा टेक्स्ट जिसमें लिंक्स लगे हुए हों उनको हम बोलते हैं कि ये आपके पास हाइपर टेक्स्ट है ठीक है और उसके अलावा मार्कअप जो है उसमें वो कहता है कि आपके पास टैग्स और एलिमेंट्स हों जो कि किसी भी हम जो भी हमने कंटेंट लिखा है उसको हम स्ट्रक्चर दे रहे हैं या मीनिंग दे रहे हैं तो उसको हम मार्कअप बोलेंगे तो अभी हमें इन डिटेल हम सारी चीज़ों को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा अब Uh, सिर्फ ये कि हमारे पास हाइपर टेक्स क्या है अगर हमने कोई लिंक ऐड करना है अपने उसमें आ, वो आ, एक आ, मतलब ये जिस तरह हमारे पास ट्विटर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो वो हमें ट्विटर की वेबसाइट के ऊपर ले जाए तो ये हम बोल रहे हैं कि ये हमारे पास लिंक्स है फिर उसके अलावा जो अः हमारे पास टैग्स और एलिमेंट्स हैं हम कह रहे हैं कोई भी एक टैग ऐड करते हैं हम तो वो अः डिफरेंट टैग से मिलकर हमारी जो है वो वेबसाइट बनती है तो इसलिए जो है इसका एच नाम है कि हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि एच जो है वो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है क्योंकि हम जो है इसमें सिर्फ टैग्स से जो है वो डील कर रहे होते हैं अब हम चलते हैं अपने पास बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर कि एच का जो है वो हमने कोड लिखना कैसे है हमने अपना जो है वो वेब पेज डिजाइन करना कैसे है तो ये बेसिक हमारा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आ, आपका जो है वो अब हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं और यहाँ पे क्योंकि जो है वो इम्प्लीमेंट करके देखते हैं साथ तो यहाँ पे जो है वो मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है वेब डेवलपमेंट कोर्स का तो यहाँ पे जो है हम अब ये काम करते हैं कि हम अपने पास एक फोल्डर uh, क्रिएट करते हैं जिसको हम कहते हैं कि लेट्स से आवर फर्स्ट वेबसाइट तो ये जो है वो मैंने अपने पास एक प्रोजेक्ट का नाम रख लिया है जिसके अंदर अब हम हर चीज अपनी जो है वो लिखेंगे कंटेंट क्रिएट करेंगे तो जो है वो हम स्पेसिफिकली इसको ऑर्गेनाइज़ शुरू से ही रखते हैं ताकि जो है वो हमें बाद में मुश्किल ना हो तो एक हमने जो है अपने पास का जो है वो जितने भी पेजेस बनाएंगे वो सारे इसके अंदर रखेंगे तो अब इसके अंदर जाके मैंने अपना जी जी मैम आपने अभी कहा कि HTML प्रोग्रामिंग हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं प्रोग्रामिंग uh, लैंग्वेजेस जो हैं हमारे पास uh, कह लो C++ हमारे पास जो है और उसके अलावा जावास्क्रिप्ट हमारे पास जिसके अंदर स्पेसिफिकली हम अपने पास लूप्स लगा रहे हैं हमारे पास कंडीशनल uh, स्टेटमेंट्स हैं वो वाली सारी लैंग्वेजेस को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलते हैं जिसके थ्रू हम काम कर रहे हैं एचटीएमएल जो है वो स्पेसिफिकली हमारे पास सिर्फ टैग्स डील कर रहे हैं कि हम जो है एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं अपने वेब पेज का इसलिए इसको जो है वो इन बिटवीन है कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको इंक्लूड नहीं करते हो ओके okay, मैम अच्छा जी अब हम यहाँ पे जो है अपने पास टेंपलेट्स के फोल्डर के अंदर आ गए हुए हैं और हमने सबसे पहला जो है एक हमने अपने पास जिसके अंदर हमने अपने टैग्स क्रिएट करने एच लिखना है उसको हम अपना जो फर्स्ट पेज जिसको है मोस्टली इसको कहते हैं इंडेक्स और जो, क्योंकि हम एच टी एम एल का टैग्स लिख रहे हैं क्योंकि अब हम कोड बोलेंगे क्योंकि इंटरचेंजेबली ये होगा हमारे पास तो हम इसको कह रहे हैं कि अब हम एच डीएमएल का कोड लिखने लगे हैं अच्छा तो अब हमने क्या किया एक फाइल क्रिएट की है इंडेक्स डॉट एच डी एम एल की और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमने अपने पास एक जिस फोल्डर क्रिएट किया है मेन फोल्डर उसके अंदर हमने जो है एक टेम्पलेट्स का फोल्डर क्रिएट किया है उसके अंदर हमने अपना फर्स्ट जो पेज है वो हमने इंडेक्स डॉट एच एम एल के नाम से रख लिया है तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट वाला है यहीं से हम जो है ना इसको सी एम डी में वो अपने पास खोल लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में ताकि जो है वो हमारे पास पूरा का पूरा डायरेक्टरी जो है वो एक्सेस हो जाए तो एक शॉर्ट फॉर्म है कि अगर हमने विजुअल स्टूडियो में इसके अंदर खोलना है तो सी एम डी लिख के और यहाँ पे अगर आप कोड स्पेस डॉट लिखें तो ये पूरा का पूरा फोल्डर आपके पास जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर खोल देगा तो अब इसको हम ट्रस्ट कर लेते हैं यहाँ पे तो ये जो है अब आपके पास टेम्पलेट्स uh, का फोल्डर और उसके अंदर आपके इंडेक्स डॉट एच एम एल का आपके पास जो uh, पेज है जिसके अंदर हम एच टी एम एल के टैग्स लगाएंगे वो हमारे पास आ गया है तो अब जो सबसे फर्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर आपने क्या करना है आपके पास इसके अंदर हर चीज जो है वो हम टैग के साथ डील कर रहे हैं तो अब टैग जो है वो आपके पास दो एंगल ब्रैकेट्स और जो फर्स्ट चीज हमने यहाँ पे लिखना है वो हमने यहाँ पे लिखना है हमारे पास डॉक टाइप ये जो है आपके पास एच टी एम एल का आप कैप्स में लिख लो स्मॉल में लिख लो उसमें उसको कोई इशू नहीं है Uh, तो इसका मतलब है ये आपके पास केस सेंसिटिव नहीं है तो आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हो कैप्स में लिख सकते हो अब हमने यहाँ पे जो है आ, ये अपने पास एक टैग लिखा है और ये टैग स्पेसिफिकली सिर्फ ये बता रहा है कि आपके पास एच की आ, टाइप क्या है तो अभी जो है करंटली अगर आप ये वाला टैग लिखते हो तो इससे उसको पता चल जाता है कि आप एच 5 के थ्रू सारे टैग्स लगा रहे हो तो इसे पुराने जो थे वो आपके पास एच के वर्जन उसके लिए डिफरेंट टैक्स थे तो अब हम स्पेसिफिकली एच डी को डील कर रहे हैं तो इसलिए आप ने बताना है अपने पेज को कि हम अब अपने जितने भी टैग्स लगाएंगे वो सारे हमारे एच डी फाइव के अंदर होंगे तो इसलिए हमने उसको सिर्फ ये इंडिकेट कर दिया है कि ये हमारे पास वेब ब्राउजर को पता चल जाए कि हम एच डी फाइव के अंदर अपना जो है वो डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं फिर उसके बाद आपका जो अगला काम है वो आपने क्या करना है आपने यहाँ पे अपने पास एच टी एम एल का जो है वो टैग लगाना है और जो आपके पास टैग होगा जितने भी आपके पास मोस्टली टैग्स हैं उनके फिर आपके पास एक क्लोजिंग टैग होता है तो यहाँ पे अब इसको पता चलेगा कि जितना भी हम एच टी एम एल के अपने टैग्स लगाएंगे वो इस एच टी एम एल के क्लोजिंग और एंडिंग टैग के अंदर हम लगाएंगे तो अब आ, हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर अपना क्रिएट करना है तो उसके लिए आपके पास जो है वो एच के टैग के अंदर हमने उसको बताना है एक उसका हेड और एक उसकी बॉडी तो अब आपका जो अगला टैग है वो एक हम लगाएंगे अपने पास हेड का टैग और ये इंटेलिजेंस क्या करता है आपका कभी जो है वो उसके क्लोजिंग टैग खुद ही जो है वो लगा देगा क्योंकि उसको पता है कि आपने उसका क्लोजिंग टैग जो है वो लगाना ही लगाना है तो अब यहाँ पे आपके पास जो है एच हेड के बाद आपने अगला जो टैग लगाया वो आपके पास बॉडी टैग है तो आपका हेड का टैग और आपका बॉडी का टैग ये अभी हमने सिर्फ एक स्ट्रक्चर जो है वो एच का क्रिएट कर लिया है अगर हम इसको पेज को खोलें अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे जाके अपने पास इंडेक्स डॉट एच को सिर्फ यहाँ पे उसको वैसे भी अगर हम देखो डॉट एच टी है तो यहाँ पे उसको पता चल गया है आपके प्रोग्राम को क्या आपने इसकी फाइल को किस में खोलना है ठीक है तो अगर आप इसको वैसे ओपन विद ना भी करो तो यहाँ पे कलर बता रहा है कि ये आपको अभी फायरफॉक्स में खोल के देगा तो मैंने इसके ऊपर तो एक पेज खाली आ गया कुछ भी लिख के नहीं दिया लेकिन ये है कि हमारा एक पहला पेज जो है वो बन गया है तो सिर्फ हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया अभी उसका जिस तरह हम कहते हैं आपके पास सी प्लस प्लस का हमने कहा था बेसिक सेंटेक्स है उसी तरह हमारे पास जो है वो एच uh, टी का पेज बनाने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर uh, है जिसके अंदर अब हम अपना सारे जितने भी टैग्स हैं वो इसके अंदर लगाएंगे तो अभी हमने सिर्फ ये क्या किया है सबसे पहले उसको बताया कि एच का आपके पास कौन सा वर्जन है फिर उसके बाद हमने अगला टैग जो बताया है वो हमने बताया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा इसके बीच में हमारा एच के uh, टैग्स लगेंगे एक हमने हेड टैग लगाया और एक हमने बॉडी टैग लगाया तो ये जो है वो हमने अभी सिर्फ इतना सा काम किया अपने पास अब इसके बाद जो है यही वाला जो था हमने बेसिक स्ट्रक्चर इधर लिखा हुआ था तो यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं हमने ओपनिंग टैग लगाया जिसके अंदर हमने बताया कि यहाँ से हमारा एच का डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहा है और ये हमारा एच का क्लोजिंग टैग जो बता रहा है कि हमारे पास यहाँ पे एच का डॉक्यूमेंट क्लोज हो रहा है फिर हमने जितना भी अपना कोड लिखना है अभी वो हम सारा का सारा अपने पास इस बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे ठीक है तो अब हम जो है वो अपने पास डिफरेंट जो एच के टैग्स हैं हमारे पास अवेलेबल उनको हम एक्सप्लोर करते हैं कि हम टेक्स्ट लिखना सीख लें हम जो है वो लिंक्स लगाना सीख लें इमेज लगाना सीख लें तो स्टेप बाय स्टेप हम उसको फॉलो करेंगे अब उसके आगे चलें हम तो जो हमारा एस का कोई भी अगर हम वेब पेज देखें तो यहाँ पे देखो कि हमारे पास जो है वो एक हेडर है और ये मेन है हमारे पास और ये फुटर है तो हम कोई भी अपना वेब पेज है उसको जब हम डिवाइड करें तो इन तीन मेन कंपोनेंट्स के अंदर हम इनको इसको डिवाइड कर सकते हैं तो ज्यादा बेटर है क्योंकि हम हमेशा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करते हैं तो हमने अगर तो अपना कोई भी वेबसाइट का लोगो लगाना है हमने यहाँ पे अपनी मेन्यू लिखनी है तो वो हम हमेशा हेडर टैग्स के अंदर लगाएंगे ठीक है उसके बाद हमने जो है ये अपने पास बीच में जितना भी कंटेंट लिखना है वो हम मेन टैग के अंदर लगाएंगे और जो फोटर है वहाँ पे हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं कि आप हमें यहाँ पे इस लिंक में फॉलो करें या आ, कोई भी इंफॉर्मेशन के किसने ये वेबसाइट बनाई है वो सारी इंफॉर्मेशन हम फुटर के अंदर देते हैं तो ये भी हमारे पास सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हैं तो हम इन टैग्स को भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप नहीं भी यूज करते तो उससे कोई इशू नहीं होगा कोई एरर नहीं आएगा लेकिन बेटर है कि आपका जो वेबसाइट आप बना रहे हो वो स्ट्रक्चर्ड वे में हो इसलिए हम जो है वो तीन टैग्स अपने पास और लगा लेते हैं और तीनों टैग्स हमारे जो है वो बॉडी के अंदर होंगे अब बॉडी के अंदर हम बता रहे हैं कि अपना हमारा जो हैडर इनफॉरमेशन है वो कहाँ पे है हमारी मेन की इनफॉरमेशन कहाँ पे है और हमारी फुटर की इनफॉरमेशन कहाँ पे होगी तो अब हमने तीन टैग्स लगाए हैं सबसे पहले अपने पास हेडर का टैग फिर उसके बाद हमने अपना टैग लगाया है यहाँ पे मेन का और फिर उसके बाद हमने टैग लगाया अपने पास फुटर का अभी भी अगर हम इसको सेव करें और हम यहाँ से अपने पास दोबारा इसको खोलें तो कोई भी उसके अंदर जो है वो हमारे पास चेंज नहीं आई है क्योंकि अभी हमने सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट किया अभी हमने कोई भी कॉन्टेंट बीच में प्लेस नहीं किया है तो बेटर है कि हम हमेशा जो है वो इसी स्ट्रक्चर्ड वे में चलें तो हमने हेडर मेन और फोटर में अपनी वेबसाइट को जो है वो डिवाइड कर लिया है कि हम जो भी कंटेंट लिखेंगे वो इसके अंदर लिखेंगे तो अब जो है हम यहाँ पे यही काम किया हुआ है हैटिक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है हेडर का मेन का और फुटर के हमने टैग्स लगा लिए हैं अब हम जो है इसके जो स्पेसिफिक टैग्स हैं जिसके थ्रू हम हेडिंग्स देंगे टैक्स देंगे उनको एक्सप्लोर करते हैं तो हमारे पास जो है हेडिंग्स के लिए डिफरेंट साइजेस की हेडिंग्स हैं हमारे पास अब हम वन बाय वन इसको एक्सप्लोर करते हैं अब अगर क्योंकि हम अभी अपना मेन के अंदर काम करेंगे तो हेडर और फुटर के अंदर अभी हमने जो है ना तो अभी लोगो लगाया है ना हमने बाकी चीजें लिखी हैं तो इसलिए अभी हम सिर्फ मेन के अंदर जो है वो अपने पास टैग्स लगाते हैं तो हम सबसे पहला जो टैग है वो लिखे अगर आपका एच वन का टैग और इसके अंदर जो है हम यहाँ पे लिख दे अगर लेट से कुछ भी हम लिख रहे हैं अभी सिर्फ टेस्टिंग के लिए दिस इज फर्स्ट हेडिंग और मैंने इसको सेव किया अब सेव करने के बाद मैंने जो है यहाँ पे अपने पास इंडेक्स डॉट एच एम एल की फाइल को जो है वो दोबारा जब खोला तो अब ये देखो कि पहले जो था वो मेरे पास वेबसाइट के ऊपर या मेरे पेज के ऊपर कुछ भी शो नहीं हो रहा था अब जब मैंने इसको खोला है तो यहाँ पे दिस इज फर्स्ट हेडिंग लिखा हुआ आ गया इसका मतलब ये है कि हमने एक स्पेसिफिक टैग जो H1 का था उसको यूज करके अपने पास अ Heading जो है वो क्रिएट कर लिया है आ, अपने वेब पेज के ऊपर तो जबरदस्त है हमने अपना जो है वो फर्स्ट वेब पेज स्टार्ट तो कर लिया बनाना जिसके ऊपर हमने एक हेडिंग जो है वो डिस्प्ले कर दी है अब एक और चीज ये कि जब भी हम चेंजेस करेंगे बार बार हम चेंजेस करेंगे तो हमें जो है वो हर दफा ये वाली अपनी फाइल जो है वो दोबारा से खोलनी पड़ेगी उसको जो है वो हमें आ, 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 अलह से हमारी टैब्स खुलती रहेंगी तो उसके लिए जो है वो एक हमारे पास बेटर ऑप्शन ये होता है कि अगर आप इसकी यहाँ पे एक्सटेंशन पे जाओ और यहाँ पे आपके पास एक एक्सटेंशन है लाइव सर्वर की उसको आप सिर्फ इंस्टॉल कर लो और अभी मैंने चूंकि पहले से किया हुआ है ठीक है तो इसलिए मेरे पास इंस्टॉल्ड है आपने ये एक्सटेंशन जो है वो इंक्लूड कर ली अपने विजुअल स्टूडियो कोड में उसके बाद आप सिंपली क्या करो यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर कर लो तो उससे क्या होगा कि आपका जो है ना यहाँ पे इस पेज के ऊपर अब हमेशा जो है आपके पास अ, जैसे ही हम यहाँ पे कोई चेंज करेंगे इसके अंदर कोड में साथ ही जो है वो हमारे पास यहाँ पे इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने हेडिंग का टैग फर्स्ट हेडिंग का लगाया था अब हम जो है वो अपने पास एज टू का टैग लगाते हैं जिसमें अब हम देखते हैं कि इस सेकंड हेडिंग में एज टू के टैग में और एज वन के टैग में हमारे पास क्या फर्क है तो मैंने सिर्फ इसको सेव किया और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे गई अपने पास वेब ब्राउजर पे तो साथ ही मेरे पास जो है वो उसकी चेंज रिफ्लेक्ट हो गई है कि जो फर्स्ट हेडिंग थी उसका साइज बड़ा था और जो आपके पास सेकंड से, हेडिंग है उसका साइज कंपैरेटिवली फर्स्ट हेडिंग से छोटा है और वो अगली लाइन में उसके साथ आ रही है अब इसी तरह हम जो है वो डिफरेंट हेडिंग्स अप्लाई कर सकते हैं अब मैं अगर हेडिंग थ्री को देखूँ तो मेरे पास जो है वो हम इसको कॉपी करते जाते हैं अपने पास H2 टू की जगह पे हम यहाँ पे लिख देते हैं H3 थ्री इसको सेव करें अब हम देखें जाके तो यहाँ पे जो है वो दिस इज थर्ड हेडिंग और वो कंपैरेटिवली हमारे पास जो है ज्यादा छोटी हो गई है तो अभी हमने यहाँ पे देखा है अपने पास के हम टोटल सिक्स हेडिंग्स जो हैं उनके साइजेस अवेलेबल हैं और ये हेडिंग वन हेडिंग टू ये इसका टैग का हमारे पास नेम है और जो कोड में हमने किस तरह इसको यूज़ करना है आपने अपने पास स्टार्टिंग टैग लगाना है एंडिंग टैग लगाना है और उसके बीच में जो भी आप अपना टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाहते हो हेडिंग में वो आप लिख सकते हो तो हमने ये डिफरेंट साइजेस के साथ आपको जो उनसे भी हेडिंग यूज़ करनी है वो आप यूज़ कर सकते हो तो ये हो गया हमारा हेडिंग का टैग अब हमें डिफरेंट जगहों पे हेडिंग लगानी पड़ेगी तो हम जो है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हेडिंग का साइज जो है उसके मुताबिक अपनी हेडिंग्स सेट कर लेंगे जी बच्चों यहाँ तक कोई क्वेश्चन है नो no, मैम सही हो गया जबरदस्त है अच्छा जी अब हम चले गए अपने पास हेडिंग्स uh, हमने एक्सप्लोर कर ली हैं अब हम अगले टैग देखते हैं हेडिंग जब हमने लगा लिया है उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमने पैराग्राफ लगाना है uh, लिखना है तो उसके लिए हमारे पास क्या टैग है तो अभी हम स्लाइड्स को नहीं देखते क्योंकि वो जरा थोड़ा सा हमारे लिए ओवरक्राउडेड हो जाएगा तो अब हम जो है वो अपने पास सेकेंड टैग देखने लगे हैं और वो है हमारे पास पैराग्राफ का टैग और पैराग्राफ के टैग के लिए आपके पास सिर्फ पी के जो है वो आपने एंगल ब्रैकेट्स लगानी है और इसके अंदर जो है वो हम कुछ भी लिखे दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ ठीक है और मैंने इसको सेव किया उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा तो अब ये जो है मेरे पास उसका पैराग्राफ का आ रहा है अभी चूंकि आप लोगों को जो है वो साइज थोड़ा सा मसला हो तो मैं इसको zoom इन कर लेते हैं हंड्रेड परसेंट पे रख लिया तो अब ये जो है नॉर्मल आपके पास ये हेडिंग का साइज और ये आपके पास पैराग्राफ का जितना जो भी आपने टेक्सट लिखना है वह सारा आप इसके अंदर लिख सकते हो तो so, ये जो है आपके पास पैराग्राफ का इसके अंदर दिस इस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो लिखा हुआ आ गया जबरदस्त है हमने पैराग्राफ लिख लिया अपने पास अब उसके बाद जो है आपने जितना भी कंटेंट प्लेस करना है आ, कोई अब हम यहाँ पे जो है वो चैट जीपीटी की भी हेल्प लेते हैं ठीक है तो हम प्रोडक्टिव वे के लिए चैट जीपीटी की जो है वो हेल्प ले रहे हैं उसके बाद हम कह सकते हैं राइट ऑन विंटर ब्रेक या विंटर हॉलीडेज लिख लेते हैं ठीक है तो वो जो भी पैराग्राफ देगा वो सिर्फ हम बताने लगे हैं कि आपके पास हमने कॉपी किया जिस तरह आप अपने डॉक्यूमेंटेशन में कॉपी करते हो बगैर देखे बगैर पढ़े हम भी वही काम करेंगे हमने यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर जाके बगैर देखे बगैर पढ़े अपने विंटर हॉलीडेज से रिलेटेड कुछ टेक्स्ट जो है वो प्लेस कर दिया है तो अब हम जाके देखते हैं अपने पास पास वेबसाइट के के ऊपर पी टैग की वजह से हमारे पास क्या हुआ है तो अब ये देखो कि उसने क्या किया आपके पास के पूरा पूरा जो था वो एक पैराग्राफ उसने पूरा का पूरा डिस्प्ले कर दिया है ठीक है जबरदस्त हो गया तो इस तरह जो है वो हम पैराग्राफ डिस्प्ले कर सकते हैं अब लट से मैं कहती हूँ कि ये एकेडेमिया के बाद मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये वाला जो है एज नो ब्लैंकेट्स जो है ये मेरे पास अगली लाइन के ऊपर आ जाए तो अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा अभी तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम अगर एंटर करते हैं तो यहाँ पे एस नो के बाद मैंने एंटर किया और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे सेव करूँ और यहाँ पे जाके के देखूँ तो मेरे पास कोई चेंज नहीं हुई है वो मेरे पास फिर से इधर ही आ, उसी लाइन से ही स्टार्ट हो रहा है हालांकि मैंने यहाँ पे एंटर भी प्लेस किया है लेकिन उसने क्या किया है उसने वहीं से स्टार्ट किया है मैं तीन चार एंटर प्लेस करके देखती हूँ कि क्या मेरे पास यहाँ पे चेंज होता है लेकिन मेरे पास वेबसाइट के ऊपर वो चेंज नहीं हुआ है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए भी हमारे पास चूंकि एच हम एम एल हम लिख रहे हैं इसका मतलब है कि हम टैग्स के साथ डील कर रहे हैं तो जो भी काम हम चाहते हैं अपने पास वेबसाइट के ऊपर हो वो हमें टैग्स के साथ उसको बताना पड़ेगा तो अब अगर मैं एंडल जिसको हम कहते हैं सी प्लस प्लस में क्योंकि उसकी टर्मिनोलॉजी हम मोस्टली यूज कर रहे होते हैं तो अगर हम एंडल देना चाहते हैं जिसका मतलब है हम उसको अगली लाइन के ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो आपके पास बी आर का टैग है और बी आर का मतलब ये है कि आप ब्रेक लगा रहे हो लाइन ब्रेक दे रहे हो ठीक है तो एंडल का मतलब था एंड लाइन बी आर का मतलब है कि हम लाइन ब्रेक कर रहे हैं और लाइन ब्रेक करने के लिए आपके पास क्लोजिंग टैग नहीं है आपको सिर्फ जब भी आ, एक एंटर देना है तो आपको बी आर का टैग लगा देना है अब हम इसको सेव करते हैं जाके देखते हैं अपने पास तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो एंटर प्लेस हो गया है और हमारे पास ये एस स्नो ब्लैंकेट जो है वो अगली लाइन से स्टार्ट हो गया है तो अब अगर मैं चाहती हूँ कि दो मेरे पास एंटर हो जाए तो आपको क्या सिंपली करना है टैग को जो है वो कॉपी पेस्ट किया उसके बाद आपने जाके देखा तो आपके पास अगली लाइन के ऊपर चला गया इसका मतलब ये है कि आप बी को एज एंटर जो है वो ट्रीट करोगे और जहां जहाँ पे आपको एंटर देना है वहां पे आप बी का टैग लगा दोगे ठीक हो गया जबरदस्त है अब हम चाहते हैं कि कोई चीज को हम जो है वो अंडरलाइन uh, करना चाहते हैं लेट्स से एकेडेमिया जो है वो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हम इसको वर्ड uh, को अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो अब अगर हमने इसको अंडरलाइन करना है तो uh, हमें फिर से टैग uh, यूज करना पड़ेगा अब हमें सबसे पहले उसको वर्ड को जो है वो एक्सेस करना है हम एकेडेमिया को अंडरलाइन करना चाह रहे हैं और उसके लिए आपके पास अंडरलाइन करने के लिए टैग अवेलेबल है जो कि है यू का टैग यू का मतलब ये है कि आप स्पेसिफिकली अंडरलाइन कर रहे हो तो अब मैंने जो है वो टैग लगाया क्लोजिंग टैग भी उसने मुझे साथ ही दे दिया तो मैंने क्या किया यहाँ पे अपने पास आ, क्लोजिंग टैग उसके बाद कर दिया और अब मैं जाके अपनी वेबसाइट के ऊपर जब जाके देखती हूँ तो मेरे पास एकडेमिया जो है वो अंडरलाइन हो गया है तो इसलिए अब जो भी हमने काम करना है वो टैग्स के साथ करना है और सारे टैग्स हमारे पास अवेलेबल हैं तो हमने एंटर भी देख लिया हमने अपने पास अंडरलाइन भी देख लिया उसके अलावा अगर हम लेट से चाहते हैं कि चूंकि अब हमें बहुत खुशी भी हो रही है कि हमारे पेपर जो है वो खत्म हो गए हैं तो हम मेरीमेंट जो है उसको अगर लेट से बोल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमारे पास एक टैग है कौन सा टैग है, सा टैग है? कोई बच्चा बता सकता है आप लोगों ने अभी पढ़ी एस एम एल मेरा कौन सा टैग है यस मैम बी टैग बी टैग ठीक है बी टैग से देखते हैं बी टैग से क्या होता है बोल्ड बी टैग से हमारे पास बोल्ड हो जाता बोल्ड हो जाता है हमारा वर्ड जबरदस्त है तो हमने क्या किया मेरिमेंट के साथ बी टैग जो है वो यूज कर लिया तो अब हम देखते हैं तो यहाँ पे आपका जो मेरिमेंट है वो बोल्ड हो गया है किसी बच्चे को बी टैग के अलावा कोई और टैग पता है जो बोल्ड कर देता है मैं स्पैन टैग कौन सा टैग स्पैन स्पैन और स्ट्रॉन्ग दोनों कर, दोनों कर देते हैं तो हम स्ट्रॉन्ग को देखते हैं अगर स्ट्रॉन्ग लगाते हैं लेट से हम मैजिक uh, को भी करना चाहते है। हैं है। ठीक है हमने अब देखा स्ट्रॉन्ग का टैग तो स्ट्रॉन्ग के टैग से क्या हो रहा है कि आपके पास बोल्ड हो गया है अब स्पेन का टैग जो है वो हमारे पास बोल्ड नहीं करता है इसलिए जो है करना भी देख लिया, करना भी देख लिया, पे जाना भी देख लिया अः इसके अलावा जो है वो से विंटर हॉलीडेज हैं और इसको जो है वो हम अटेलिक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास टैग जो है वो आपको आइडिया हो गया होगा किस तरह का टैग होगा आगे। 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 होगा जबरदस्त है तो आपका जो है आई टैग हमने लगाया उसका जो है वो हमारे पास एंडिंग लगा और अब जब हमने उसको देखा तो आपके पास जो विंटर हॉलीडेज हैं वो आपके पास आ, अटेलिक हो गया है थोड़ा सा उसका जो है वो स्टाइल चेंज हो गया है ठीक है जबरदस्त है हमने डिफरेंट टैग्स एक्सप्लोर कर लिए हैं अब हम चलते हैं अपनी आ, की तरफ तो हमने अपना पी टैग देख लिया है उसके अंदर हम जो है वो स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो पैराग्राफ बता सकते हैं कि ये हमारा पैराग्राफ है तो इस तरह हमारे पास पैराग्राफ शो हो जाएगा फिर हमने बोल्ड का भी देख लिया आपने स्टार्टिंग और एंडिंग टैग लगाया तो बोल्ड हो जाएगा आपके पास सेम उसी तरह आपके पास जो है वो स्ट्रॉग टैग है आप उसको भी बोल्ड कर सकते हो फिर आपके पास जो है वो बिग टैग है जो कि आपका टेक्स्ट जो है कम्पेरेटिवली बिग uh, कर देता है उसको तो हम उसको भी जरा एक दफा देख लेते हैं यहाँ पे अगर हम कहते हैं बिग का टैग लगाते हैं और इधर भी हम बिग का क्लोजिंग टैग लगाते हैं सेव करते हैं वेबसाइट पे जाते हैं तो ये आपका विंटर हॉलीडेज जो है वो टैक्स बिग फॉर्मेट में आ गया है सही हो गया इसी तरह आपके पास स्मॉल का टैग है आपके पास अटैलिक का टैग है बाकी अगर हम आगे देखें तो हमने यहाँ पे यू का टैग भी देख लिया है अंडरलाइन भी कर लिया है बी आर लाइन ब्रेक भी देख लिया है अब एक टैग जो हमारे रह गया है एच आर का अगर वो आप टैग लगाते हो उसी तरह बी आर की तरह कि, तरह कि उसका आपके पास क्लोजिंग टैग नहीं है और आपने अगर पूरी लाइन लगाना है वहां पे हॉरिजॉन्टल रूल तो हम उसको एच आर का टैग यूज कर सकते हैं अब हम यहाँ पे करके देख लेते हैं कि बी आर एक लगाते हैं और एक हम एच आर लगा लेते हैं एच आर का मतलब है हॉरिजॉन्टल रूल अब हमने जब ये टैग लगाया तो आपके पास जो है वो पूरी एक लाइन जो है वो आ गई है इसका मतलब ये है कि आप डिफरेंशिएट कर रहे हो कि ऊपर वाला टेक्स्ट नीचे वाले टेक्स्ट से डिफरेंट है आपके पास ठीक हो गया जबरदस्त है आपका पैराग्राफ भी हो गया उसने उसके फॉर्मेट्स भी देख लिए डिफरेंट तरह से कि हम उसको जो है वो टेक्स्ट को किस तरह चेंज कर सकते हैं तो यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन सब क्लियर है क्लियर है जबरदस्त हो गया मैम वर्ड्स के दरमियान एक से ज्यादा स्पेस देने के लिए कैसे करें वर्ड्स में एक से ज्यादा स्पेस देनी है आपने तो आप यहाँ पे uh, एक से ज्यादा स्पेस दे दें इसी तरह कह रहे हो ना वर्ड्स के दरमियान आपने स्पेस देनी है नहीं वो कह रहे हैं कि एक से ज्यादा स्पेस देनी है एक से ज्यादा स्पेसिस देनी है तो हमने दे दी है एक से ज्यादा स्पेसिस दे दें यस मैम ऐसे ही कह रहा हूँ ये इस तरह कह रहे हैं जैसे आ रहे है। तो सही हो गया आ, अभी हम सिर्फ एक स्पेस दे रहे हैं ठीक है तो एक से ज्यादा जो है वो आपके पास उसमें काउंट नहीं हो रही है ठीक है तो वो बाकी जो प्री है प्री वो है। क्या करेंगे प्री टैग लगा दे पी आर ई पी आर ई ठीक है जबरदस्त है प्री टैग लगा देते हैं हम इसके अंदर जितनी स्पेसिस लगाएंगे वो काउंट होंगी हो गया इसका मतलब ये है कि सिर्फ आप यहाँ पे इसके अंदर स्पेस दे विंटर को हम सही करते हैं ठीक है आ, तो आपका विंटर के बाद नेक्स्ट लाइन पे चला गया हाँ जी ये होता है नेक्स्ट लाइन पे तो चले जाए नहीं नहीं नेक्स्ट ने, 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 हाँ। नेक्स पे तो नहीं जाना था इसमें नेक्स्ट पे लेके गया स्टार्ट पी से पहले स्टार्ट करें ना पी से पहले स्टार्ट करें पी से पहले स्टार्ट कर देते हैं ये करके देख लेते हैं और एंड भी पी के बाद में करें एंड भी बी के बाद करते हैं जी ये आ गया आपका पी का क्लोजिंग टैग और यहाँ पे हमने एंड किया और हमने इसके बीच में अगर यहाँ पे हॉलीडेस के बाद हमने स्पेसिस ज्यादा दी हुई है ठीक है तो अब हॉलीडेज के बाद आपकी जो है वो स्पेसिस आ गई हैं उसके अलावा यहाँ पे जो था वो हमने ज्यादा स्पेसिस दी हुई थी तो वो भी हमारे पास आ गया हुआ था ये अगर प्री यूज करें तो हमें वो जो बिया टाइप होता है ना वो भी लगाना पड़ता हाँ बिल्कुल ऐसी है और ये अब आपका पूरा के पूरा उसके अंदर आ गया हुआ है उसके अलावा आपके पास एक और टैग है जो कि है आपके पास एन बी एस पी उसके थ्रू भी आप जो है वो एक आ, जो स्पेस आप ज्यादा देना चाहते हो वो आप दे सकते हो ठीक है तो उसको भी हम एक दफा देख लेते हैं मैम जरा एक, एक बार प्री टैग के बारे में बता दें Uh, एक मिनट अभी हम जो है ना एक और चीज़ एक्सप्लोर कर लें उसके बाद हम जो है वो प्री टैग भी देख लेते हैं ठीक है अब हमने क्या किया है यहाँ पे अपने पास हमने सिर्फ लगाया है एन बी एस पी और उसके थ्रू जो है वो आपके पास दो स्पेसिस उसके अंदर आ गई हैं और अगर हम तीन स्पेसिस देते हैं तो यहाँ पे आपके पास स्पेसिस उसमें शो हो रही है तो ये जो है वो आपकी आ, अगर आप सिर्फ एक स्पेस देना चाहते हो आ, तो आप एन बी एस पी टैग भी यूज कर सकते हो ठीक है उसके अलावा हमने कहा था प्री टैग को देख लें प्री टैग जो है वो ज्यादा आसान है कि अगर आप जो है अः यहाँ पे प्री टैग लगाओ उसका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग और उसके बाद आप यहाँ पे बीच में जो भी दे रहे हो स्पेसिस या एंटर वो सारे जो हैं आपके पास काउंट होंगे तो अब हमने इसको सेव किया अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास अ, हमने चूंकि एक एंटर दिया हुआ है तो इसलिए जो है ये आपके पास आ, आगे शिफ्ट हो गया है तो अब हम यहाँ पे अगर, अगर अपना ये ख़त्म करते हैं सारा तो अब जो है वो आपके पास उससे अगली लाइन से स्टार्ट होगा ठीक है तो और उसके अलावा ये क्या कर रहा है कि आपके पास आ, उसी आ, लाइन पे आगे जा रहा है अगर हम प्री टैग यूज़ नहीं कर रहे तो आपके पास वो यहाँ पे आ, जिस तरह हम कहते हैं कि वो रैप कर रहा है टेक्स्ट को तो वो रैप कर देता है लेकिन अभी जो है आपके पास आ, प्री टैग की वजह से वो रैप नहीं कर रहा और जिस तरह आपका यहाँ पे शो हो रहा है इस पेज के ऊपर टेक्स्ट वैसे ही वहां पे शो हो रहा है तो अगर हम यहाँ पे एंटर दे देते हैं इधर हमने एंटर दिया उसके बाद हमने इधर एंटर दिया और अब हम यहाँ पे देखते हैं तो वो आपके पास जिस तरह यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है उसी तरह हमारे पास वेब पेज पे शो हो रहा है लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपके पास तो टेक्स्ट उसका डिफरेंट है और यहाँ पे आपके पास जो है वो उसका फॉर्मेट देखो मेरा ख्याल है वो भी चेंज हो गया आपका स्टाइल उसका तो इसलिए जो है वो आपके पास nbsp जो है वो ज्यादा बेटर है अगर आपने सिंपली स्पेस देनी है ठीक है तो अब आपके पास पैराग्राफ के स्पेसिफिक का जो टेक्स्ट का आपके पास है फॉन्ट और जो उसकी फॉन्ट फैमिली है वो भी चेंज हो गई है और यहाँ पे रैप हो के आ रहा है प्री के बगैर ठीक है तो इसलिए प्री बेटर है कि ना यूज करो nbsp जो है वो यूज कर लो अगर आप ज्यादा स्पेसेस देना चाह रहे हो मैम सिंबल कैसे तरह लगाएंगे सिंबल कौन सा greater than less than question mark अभी हम अगर लगा के देख लेते हैं तो आपका सिंबल उसी तरह ही आ रहा है ठीक है greater than का भी आ रहा है आपका क्वेश्चन मार्क का भी आ रहा है सही हो गया अच्छा जी अह ये क्वेश्चन मैथ का भी आपके पास आ गया greater than का भी आ गया है तो ये जो है आपके पास सिंबल्स जो हैं वो साथ शो हो रहे हैं ठीक है उसके अंदर कोई स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि वो जो है आपने का टैग लगा दिया है इसलिए उसके बीच में आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो आपके पास शो होगा मैम हमने टैग को भी लाना है अभी ये जो है ना हम specific... स्पेसिफिक

वो उसके अंदर काउंट होगा प्री 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 का के टैग से उसका वो जो है है ना स्टाइल में चला जाता अभी हम ये चीजें जो है ना वो जब स्टाइल्स को करेंगे तो हम सी एस एस में जो है ना इनको कवर करेंगे अभी हम स्पेसिफिकली जो बेसिक टैग्स हैं उनको देख रहे हैं तो अभी जो है वो बाकी चीजों को हम जब सी एस एस कवर करेंगे तो फिर इनको टच करेंगे सही हो गया बाकी जो है हमने बेसिक फॉर्मेटिंग देख ली है बेसिक हमने जो है वो अपने पैराग्राफ के टैग्स देख लिए हैं अब हम जो है ना वो आगे चलते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो है वो लिस्ट के टैग्स जो हैं उनको हम एक्सप्लोर करते हैं तो अब जो है हम सिर्फ अभी कंटेंट अपना जो है वो लिस्ट फॉर्म में देखना चाह रहे हैं ये जितने भी हम स्टाइलिंग की बात कर रहे हैं और जो हमने प्री टैग की बात की है वो सारे हम जो है जब अगला लेक्चर कवर करेंगे सी का तो उसमें फिर इसको टच करेंगे तो अब हम जो है ना अपना बेसिक स्ट्रक्चर जो अगला टैग है उसको हम देखते हैं और उसके अंदर जो है वो हमने अभी अगर हम लिस्ट के अंदर अपना डाटा शो करना चाहते हैं तो हम अपना जो है वो एक हमारे पास यूएल का टैग है और जो आपका यूएल का टैग है उसके अंदर अब हम उसको बता रहे हैं यूएल स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो है हम अपने पास अ, जितने भी अपने पास लिस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जो है वो लिस्ट आइटम्स आएंगी और लिस्ट आइटम में हम जो है वो अपने पास जितनी भी लिस्ट देखना चाह रहे हैं वो हम दे देंगे फर्स्ट आइटम दिया हमने फिर उसके बाद हमने जो है यहाँ से, सेकंड आइटम दिया तो ये जो है आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो डाटा है वो आपके पास हो रहा है कि आपके पास बुलेट फॉर्म के अंदर फर्स्ट uh, आइटम और सेकंड आइटम जो है वो आपके पास आ रहा है तो अब अगर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट नहीं देना चाहते हैं, हम जो है वो ऑर्डर लिस्ट देना चाहते हैं जिसके अंदर हम कि नंबर आए आपके पास तो आप अपने पास ओ का टैग जो है वो यूज कर सकते हो तो ओ जो है वो आपके पास ऑर्डर्ड लिस्ट में जिसमें आपके नंबर होंगे वो नंबर्स के थ्रू आपको बता देगा कि ये आपके पास लिस्ट uh, आ रही है ठीक है जबरदस्त हो गया Uh, आपके पास ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड को हमने एक्सप्लोर कर लिया उसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि आपके पास जो है वो वन uh, टू uh, की जगह पे आपके पास ए भी आ जाए तो आप यहाँ पे जो है वो उसकी टाइप चेंज कर सकते हो इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास टैग के एट्रीब्यूट्स हैं तो ओ के अंदर हम जो है वो अगर इसका एट्रीब्यूट चेंज करें और हम यहाँ पे लिखें टाइप और हम उसको कहें कि अब हम उसको कैपिटल ए बी के साथ शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखो कि अब आप आपके पास कैपिटल ए बी के साथ शो हो रहा है और अगर आप यहाँ पे जो है वो अपने पास स्मॉल ए के साथ स्मॉल ए बी के साथ दे रहे हो तो वो आपके पास स्मॉल ए बी के साथ शो हो जाएगा मैम रोमन में करेगा अगर आई लिखे तो रोमन में करेगा अगर हम आई लिखें तो उसको हम देख लेते हैं कि आपके पास आई में किस में कर रहा है तो आपके पास रोमन में कर रहा है आप इसको स्मॉल आई में दे दो तो स्मॉल आई में देखते हो तो वो आपके पास स्मॉल रोमन में दे रहा है ठीक है तो यहाँ पे अगर आप इसको देखो तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं जो आप इसको की नंबरिंग चेंज कर सकते हो ठीक हो गया जबरदस्त है हमने ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट को भी चेक कर लिया मैम एक क्वेश्चन है जी जी बताए मैम नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं हम नेस्टेड लिस्ट बनानी है इसके अंदर हम कह रहे हैं कि आपने एक लिस्ट आइटम दी उसके अंदर आप फर्दर लिस्ट देना चाह रहे हो ऐसे ही है जी। तो इसके अंदर हम जो है वो अपने पास ओ का टैग दोबारा लगाते हैं ठीक है उसके अंदर हम ओ का टैग अपने पास उसका क्लोजिंग टैग लगाते हैं अब हम देखते हैं अपने पास के क्या इसके अंदर अगर हम लिस्ट आइटम दें और फिर उसके बाद हम इसकी सेकंड लिस्ट दें और अब हम देखें तो वो आपके पास क्या कर रहा है कि आपके पास वन क्योंकि हमने इसके अंदर लगाया है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट लिस्ट आइटम के अंदर जाके वो आपके पास दोबारा से अंदर उसने ऑर्डर्ड लिस्ट का जो है वो आपके पास टैग दे दिया है लेकिन पहला जो है वो आपके पास नंबर शो हो रहा है, है मैम हम अगर ब्रेक लगा दें साथ ठीक है मैम हम या ठीक है हम ब्रेक लगा देते हैं हम यहाँ पे जो है वो अपने पास बीआर आर का टैग यूज कर सकते हैं ठीक है तो वो आपके पास फर्स्ट नंबर लेकिन नंबर आपके पास आएगा क्योंकि हम लिस्ट आइटम के अंदर जाके जो है वो अगले टैग्स लगा रहे हैं ओके मैम और ये फर्स्ट के साथ अगर हम वन टू जो नेस्टेड किया है उसमें एबीसी करना चाहे तो वो कैसे करेंगे इसके साथ आप इसको कर दो टाइप और इसकी टाइप बता दो आप यहाँ पे एबीसी तो पहला जो है वो आपका 1 2 के साथ आ रहा है और अंदर वाले आके ए बी सी के साथ आ रहे हैं ओके थैंक यू मैम सही हो गया अच्छा जी अब इसके बाद जो है हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट देख ली उसके बुलेट्स के साथ आ, उसके बाद ओएल हमने देख लिया ऑर्डर्ड लिस्ट उसके अंदर हमने टाइप के साथ देख लिया इसके अलावा जो है वो एक और चीज हम बुलेट का अगर चेंज करना चाहते हैं स्कोय ठीक है तो ये आप लोगों का अब असाइनमेंट है कि अगर हम बुलेट की जगह सर्कल की जगह पे स्क्र देना चाहते हैं या कोई और देना चाहते हैं तो क्या हम दे सकते हैं तो ये जो है वो आप लोगों ने आज एक्सप्लोर करके जो है ग्रुप में बताना है कि उसके लिए आप अगर कर सकते हैं तो कैसे करेंगे ठीक है तो बाकी हाँ बाकी को भी सोचने दो ठीक है तो उनको भी एक्सप्लोर करने दो तो वो करके फिर जो है वो ग्रुप में इसका आंसर शेयर करना है मै मेरे तीन क्वेश्चन है तीन से चार तो पूछो मैं जी जी पहले पहले क्वेश्चन है कि हम एचटीएमएल टैग का यूज कर रहे हैं तो अगर हम एचटीएमएल टैग के बाहर कुछ लिखते हैं तो क्या वो वर्ड रहेगा अह एचटीएमएल के बाहर अगर आप लिखते हो तो आ, ये सिर्फ आपके पास अह हम वैसे बताते हैं हम इसको जो है यहां पे यूज कर सकते हैं ठीक है और आपके पास वो शो भी होगा ठीक है वो सिर्फ ये होता है कि आपका हमने जिसने कहा ना स्ट्रक्चर्ड वे तो स्ट्रक्चर्ड वे में हमने जो है काम करने के लिए ये सारा काम किया है अगर आप जो है वो कुछ भी नहीं लिखते और आप सिंपली यहाँ पे जो है वो एच वन का टैग लगा देते हो तो भी आपका जो है वो चलेगा ठीक है लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर्ड वे हो उसके लिए जो है वो हम आ, सारा फॉलो करें और उसमें ये आपके पास जो है होता चीज क्या है वो ये है कि जब आपकी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी हुई है तो आपका जो सर्च इंजन है क्या है? आपके पास जो है वो वेबसाइट आपकी आ, पहले जो है वो नॉमिनेट हो जाए उसके लिए जो है वो स्ट्रक्चर्ड वे जो है वो ज्यादा बेटर है ठीक है तो इसलिए जो है वो हम हमेशा स्ट्रक्चर्ड वे जो है वो फॉलो करेंगे तो बाकी जो क्वेश्चंस है हमारे वो हम आ, साथ साथ जो है वो एक्सप्लोर करते जाएंगे हमारे पास टाइम कम है ठीक है तो इसलिए जो है वो जरा थोड़ा सा हम मूव करते हैं आगे अच्छा जी उसके बाद जो है हमारे पास अः हाइपर और इमेजेस को हम देखते हैं कि अगर हमने जो है वो लिंक लगाना है और हम कहते हैं कि किसी और के ऊपर हम लिंक आ, लगाना चाहते हैं लेट से मैं यहाँ पे लिस्ट आइटम के ऊपर एक लिंक लगाना चाह रही हूँ तो उसके लिए आपके पास जो है वो टैग है ए का ए स्टैंड और इससे जो है वो हम उसको बता सकते हैं कि हमने जो है इसको किस के साथ लिंक करना, करना है तो ये आपके पास है कि आपका जो है, के साथ आपको एच रेफरेंस जो है वो यूज करना पड़ता है और ये एच रेफरेंस जो है ये हाइपर लिंक रेफरेंस के लिए जो है वो वर्ड की शॉर्ट फॉर्म है तो आप रेफरेंस देते हो यहाँ पे जिसके साथ भी आप इसको लिंक करना चाहते हो और इसके बाद आपका जो है यहाँ पे

और इस पेज के अंदर जाके हम स्पेसिफिकली अपना सिर्फ ये कंटेंट प्लेस करते हैं अभी ठीक है और अब मैं यहाँ पे कोई हेड uh, का और बॉडी का टैग नहीं दे रही और हम सिर्फ यहाँ पे जो है सिर्फ बताने के लिए कि हम जो है वो के पेज के ऊपर हैं तो हम यहाँ पे एच uh, टू लिख देते हैं कि ये हमारा सेकंड पेज है ठीक है तो हमने क्या किया हमने जो है सेकंड uh, एक नया पेज बनाया और उसमें जो सिर्फ हमने एक हेडिंग का टैग दिया है और अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो आपका रेफरेंस है यहाँ पे हम उसको बताएंगे कि आपने क्या करना है प्रोडक्ट्स डॉट एच के ऊपर चले जाना है तो हमने रेफरेंस दे दिया है सेकेंड पेज का और अब हम जाके अपनी वेबसाइट के ऊपर देखते हैं कि उससे क्या हुआ है आपके पास तो आपके पास जो है दिस इज हेडिंग लिखा हुआ रहा है। Uh, हम इसको जो है वो एक दफा दोबारा आप चेक करते हैं ठीक है तो हमने क्या किया था पिछला जो आपके पास चल रहा था आ, रिफ्रेश नहीं हुआ था हमने अब दोबारा से उसको चलाया है तो आपके पास जो है वो आ गया है और यहाँ पे जो आपके पास है इस दफा जो लिस्ट आइटम है वो आपके पास अंडर है तो आप यहाँ पे जो है इसको अगर आ, देखो बाकी सारों के ऊपर जो है वो आपका कर्सर डिफरेंट आ रहा है इसके ऊपर आपके पास कर्सर डिफरेंट आ रहा है और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो वो मुझे सेकेंड पेज के ऊपर ले जाता है और अब यहाँ पे देखो कि जो फर्स्ट पेज है वो आपके पास इंडेक्स डॉट एच डी एम एल के ऊपर है और जो हम सेकेंड पेज के ऊपर आ रहे हैं तो ये आपको बता रहा है कि अब आपका प्रोडक्ट एच डी एम एल का पेज खुल गया हुआ है तो ये हमने एक पेज से दूसरे पेज तक जाने के लिए जो है वो ये काम किया है लिंक लगाया है हमने तो ये जो है हाइपर टेक्स्ट जो है वो जो आपकी एच स्टैंड फॉर एच डी ये आपके पास लिंक्स के लिए स्पेसिफिकली है कि आपका आ, हाइपर टैक्स इसके लिए है और बाकी मार्कअप जो है वो जितने भी हमने ये टैग्स यूज़ किए हैं उसके लिए है तो ये सारे वर्ड्स को मिला के एच हम इसको बोलते हैं इसी तरह अगर आप चाहते हो लाइव वेबसाइट का पेज देन, का देना चाहते हो लेट्स से मैं यहाँ पे अपने पास गूगल का लिंक देना चाहती हूँ और मैं कहती हूँ कि मैं उसके ऊपर क्लिक करूँ किसी भी आ, के ऊपर अभी हमने चूंकि ये टैग लगाया हुआ है तो इसके ऊपर ही मैं सिर्फ चेंज करती हूँ तो यहाँ पे जब हम जाते हैं तो अब मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये मुझे आ, अगले जो है वो गूगल के ऊपर ले जाता है क्योंकि हमने अब जो लिंक सेट किया हुआ था वो हमने गूगल का सेट किया हुआ था तो इसके बाद हम इसको जो है वो अगर बैक पे लेके आते हैं तो वापस जो हमारा खुद का पेज है उसके ऊपर हम आ गए हैं तो ये जो है आपके पास एंकर टैग है कि आप हाइपर लिंक्स जो है वो इसके साथ लगा सकते हो ठीक हो गया जबरदस्त है उसके बाद हम जो है वो देखते हैं हमारे पास एक इमेज टैग जिसके साथ हमने जो है वो अगर कोई अपना वेबसाइट के ऊपर इमेज लगाना चाहते हैं तो वो हम कैसे लगाएंगे हमने अपना पैराग्राफ का टैग लगाया हुआ है उसके बाद हम यहाँ पे अपने पास जो है वो इमेज का टैग लगाना चाहते हैं तो आपके लिए पास जो है वो इमेज का टैग है और इमेज का टैग जो है ये आपके पास सेल्फ क्लोजिंग टैग है इसका मतलब ये है कि आपको इसको क्लोज नहीं करना पड़ता अपने पास तो अब हम जो है इसका टैग के लिए आपको बताना है कि कौन सा इसने इमेज उठाना है तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पे सोर्स देना पड़ेगा कि ये इमेज कहाँ से लेना है तो अभी चूंकि हमने अपना जो फोल्डर क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर कोई इमेज नहीं है तो पहला काम हम ये करते हैं यहाँ पे अपने पास के कोई भी अः इमेज जो है उसको इमेज को हम डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ पे इसको इमेज को जो है वो हम सेव इमेज लेकिन मैम हम डायरेक्ट इमेज का यूआरएल भी तो यूज़ कर सकते हैं ना बिल्कुल ऐसे ही है हम डायरेक्ट इमेज का यूआरएल भी यूज कर सकते हैं इसको हम कर सकते हैं ओपन लिंक इन न्यू टैब और यहाँ पे जो है वो बल्कि ओपन इमेज इन न्यू टैब करते हैं और हम इस इमेज का जो है वो यूआरएल अपने पास यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको जो है वो हम सेव करते हैं और अब हम जाके अपनी वेबसाइट पे सिर्फ हमारे पास पी टैग लगा हुआ है बाकी टैग्स नहीं लगे हुए हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया है वो इमेज प्लेस किया है और इमेज जो है वो आपके पास अब बहुत बड़ा जो है वो सारा शो हो रहा है और ये जो है आपके पास इस साइड पे भी हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी दोनों साइडों पे जा रहा है तो अब हम क्या करते हैं अब हम इसको जो है वो इमेज को छोटा कर सकते हैं तो इमेज को जो है हम यहाँ पे अगर छोटा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास इसकी अपने एट्रीब्यूट हैं इस टैग के जिस तरह ये सोर्स एट्रीब्यूट है इस तरह इसका एट्रीब्यूट है वो है आपके पास वर्थ का और अगर हम इसकी व्यर्थ कम करना चाहते हैं तो आप इसकी व्यर्थ जो है वो लेट से थ्री हंड्रेड पी एक्स जो है वो स्टैंड फॉर पिक्सल्स तो हम उसको विथ बता रहे हैं कि हम थ्री हंड्रेड पिक्सल्स करना चाह रहे हैं और उसी के साथ हम उसकी हाइट जो है वो भी थ्री हंड्रेड पिक्सल्स कर देते हैं तो अब अगर हम जाके देखते हैं अपने पास तो अब आपका जो इमेज है वो छोटा ही इसके ऊपर शो हो रहा है तो अभी हमने क्या किया है हमने अपने पास वेब के साथ कनेक्टेड जो इंटरनेट से इमेज लेके उसको लिंक कर दिया है तो अब अगर मेरा जो है वो नेट नहीं चल रहा होगा तो मेरे पास जो है ये इमेज लोड नहीं होगा ठीक है तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास इमेज की एक्सेस हो बेशक आपके पास जो है वो आ, इंटरनेट का इशू अगर हुआ भी है तो उसके लिए आपको क्या करना है ज्यादा सेफ है कि आप जो है अपने पास डाउनलोडेड इमेज रखो तो अगर हम इसको जो है वो सेव एज कर लें सेव इमेज एज और उसके लिए जो है हम चूंकि स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो कर रहे हैं तो ये जो हमारा वेब डेवलपमेंट का कोर्स है इसके अंदर हमने एक टेम्पलेट्स का फोल्डर बनाया है इसी तरह आपको जो है वो एक सेकंड फोल्डर बनाना है वो आपको बनाना है अपने पास स्टैटिक का फोल्डर ठीक है उस स्टैटिक के फोल्डर के अंदर जितनी भी आपके पास स्टैटिक चीज़ें हैं जो कि आपने अपने पास स्टोर्ड रखी हुई हैं वो सारी हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड वे में रखेंगे तो मैंने स्टैटिक के अंदर अपने पास एक इमेज का फोल्डर बना लिया है और उस इमेज के फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे इमेज का जो भी आप नाम रख रहे हो विंटर uh, वेकेशंस तो हम डब्ल्यू कर लेते हैं डब्ल्यू वी सो ये हमने जो है यहाँ पे सेव कर लिया अब हम देखते हैं हमारे पास जो है यहाँ पे स्टैटिक के अंदर जाके इमेजेस के अंदर जाके ये डब्ल्यू वी के नाम से इमेज पड़ी हुई है तो अब मैं इसको इंक्लूड करती हूँ अब मुझे जो है वो ऑनलाइन उसका लिंक नहीं देना है अब मुझे यहाँ से इसका पाथ देना है जो मेरे पास यहाँ पे स्टैटिक के अंदर जाके ये इमेज पड़ी हुई है तो अब चूंकि हम टेम्पलेट के अंदर इंडेक्स डॉट एच डी एम एल के अंदर हैं तो अब हमें क्या करना है सबसे पहले तो ये काम है कि हमें इस टेम्पलेट uh, के फोल्डर से बाहर निकलना है तो ये सेम उसी जिस तरह जिसना हम CMD पे डौट -डौट करते थे, उसके थ्रू हम जो है वो अब अपनी main, जो आवर तो मैं ही स्लैश देती हूँ तो अब वो मुझे बता रहा है कि आप जो है वो अपने मेन फोल्डर के अंदर हो वहां पे आपके पास दो फोल्डर की एक्सेस है स्टैटिक की और आपके पास टेम्पलेट्स की तो आप स्टैटिक के अंदर जाते हो उसके अंदर आपके पास एक और फोल्डर है इमेजेस का उसके अंदर जाते हो और उसके बाद आपका जो है वो डब्ल्यू वी का आपके पास इमेज पड़ा हुआ है आप उसको एक्सेस करते हो आप उसको जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर चेक करते हो तो आपके पास जो है यहाँ पे सेम उसी तरह इमेज जो है वो आ रहा है और अब ये जो इमेज है ये आपके पास स्टैटिक के फोल्डर के अंदर से एक्सेस होके आ रहा है तो अब यही काम करना है हमने अपनी वेबसाइट के साथ की जो आपने वेबसाइट बनानी है उसके अंदर आपने जी 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 बताएं मैम अगर किसी और डिस्क में इमेज पड़ी हो तो उसको कैसे लगाएंगे आ, अगर किसी और डिस्क में है बेटर ये है कि आप उसका अगर लिंक किसी और डिस्क में इमेज पड़ी हो हम्म बिल्कुल हु, सही है मतलब अब लेट से मेरे पास जो है ना वो इमेज हम ये वाली यहाँ से हटा देते हैं ठीक है और मैं लर्ट से ये काम करती हूँ कि अपने पास डाउनलोड्स के अंदर ये इमेज पेस्ट करती है ठीक है और अब मैं इस इमेज का जो है वो पूरा का पूरा पाथ आपको जो है वो देना पड़ेगा अभी हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको डाउनलोड्स में क्योंकि जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हम यहाँ पे जो है वो अपने पास दे देते हैं इधर हमारे पास इमेज पड़ी हुई है तो आपको जो है यहाँ से स्टार्टिंग एफ से स्टार्ट करना है अपने पास और इधर तक का आपको उसका इमेज का पाथ देना है तो अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास इमेज आई है या नहीं आई ठीक है तो अब हमारे पास इमेज एक्सेस नहीं हो रही है एफ ड्राइव से तो उसके लिए आपको जो है पाथ उसका पूरा देना है आ, अगर हम ऐसा करें यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं और इसकी प्रॉपर्टीज में जो है वो आपके पास इसका लोकेशन और ये उसका पाथ आ रहा है सिर्फ इसका ना यहाँ पे हमारे पास जो इशू हो रहा है वो इसके स्लैशेस का इशू हो रहा है जिसकी वजह से वो आपके पास दे नहीं रहा और ये अच्छी अप्रोच भी नहीं है कि हम जो है वो डिफरेंट फोल्डर से दें जो बेटर है वो ये कि हमने जो है अपने पास जो फोल्डर है हमारे पास हम उसी के अंदर सारे इमेजेस रख रहे हैं क्यों क्योंकि जो है जब हमने इसको अपनी वेबसाइट को अप करना है तो हो सकता है कि मैं आपका ये वाला फोल्डर किसी और के सिस्टम में जाके चलाऊं और उसकी जो है वो दूसरी ड्राइव ड्राइव ना हो तो इसलिए जो है वो एक ही फोल्डर के अंदर हमने अपनी सारी फाइल्स रखनी होती हैं तो इसलिए जो है वो बेटर है कि आपका जो फोल्डर है मेन फोल्डर उसके अंदर ही आपके पास सारी फाइल्स एक्सेसिबल हों और क्योंकि फिर इसको हम बोलते हैं कि अभी जो मैं पाथ दे रही हूँ ये हम पूरा का पूरा एब्सोल्यूट पाथ दे रहे हैं तो किसी सिस्टम में जाके उसका पाथ जो है वो डिफरेंट होगा इसलिए ये बेटर प्रैक्टिस नहीं है आपको जो जो है वो ज्यादा बेटर काम है वो ये है कि आप उसका रेलेटिव पाथ दो और रेलेटिव पाथ इस तरह का दो कि आपके पास जो है वो हर जगह से एक्सेसिबल हो तो हमने उसी तरह किया अपने पास और सिर्फ ये कि थोड़ा सा आप एक्सप्लोर कर लोगे तो वो आपको पता चल जाएगा उसका लेकिन ये है कि अभी जो है वो हमारा कुछ स्लैशेस का इशू आ रहा है तो इसलिए हम उसको भी डील नहीं कर रहे तो अभी हमने रिलेटिव पाथ के साथ ही डील किया है तो हम यहाँ पे स्टैटिक के साथ इमेजेस के साथ ये इमेज एक्सेस कर रहे हैं ठीक हो गया मैम रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ का एक दो बता दें डिफरेंस है, मैं। है कि अब अभी ये देखो हमने क्या किया है कि हमने ना इसको कोई भी ड्राइव नहीं दी है कि हमने उसको नहीं बताया कि सी से आपका पाथ शुरू होगा फिर इस फोल्डर के अंदर जाएगा फिर इस फोल्डर के अंदर जाएगा वहां पे ये फाइल पड़ी होगी हमने उसको क्या कहा है ये आपका एक प्रोजेक्ट है जिस तरह हम यहाँ पे अभी, अभी अपने पास इस प्रोजेक्ट में है वेब डेवलपमेंट कोर्स में और यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट्स के अंदर ये वाली इंडेक्स डॉट एच डी एम एल की फाइल है हमने उसको कहा है सबसे पहले आप इस फोल्डर से बाहर निकलो दो डॉट उसको ये बता रहे हैं ठीक है वो क्या करेगा इस फोल्डर से बाहर निकलेगा वो यहाँ तक पहुंच गया इस फोल्डर में फिर उसके बाद हमने हमने उसको उसको स्लैश दे के बताया कि अब आप क्या करो स्टैटिक स्टैटिक के के अंदर अंदर चले जाओ तो वो यहां से के अंदर जाएगा। से जाएगा उधर फिर कहा इमेजेस के अंदर चले जाओ और वो इमेजेस के अंदर जाके हमने बताया कि ये फाइल पड़ी हुई है ठीक है तो ये अब हम कह रहे हैं कि हमने किसी ड्राइव का स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक लिंक नहीं दिया हमने कहा है जहां पे आपका ये पेज पड़ा हुआ है इंडेक्स एच इससे रिलेटिव आपने किस पाथ से होके इस इमेज को एक्सेस करना है तो अब इसका फायदा ये है कि अगर मैं ये फोल्डर कॉपी करके या ये फोल्डर की जिप बना के आपको दे दूं और आप अपने कंप्यूटर में चलाओ बेशक आप उसको सी में रखो बेशक आप उसको डी में रखो अगर आप अपना पेज खोलोगे तो ये आपका इमेज फौरन लोड हो जाएगा थैंक yes, यू हो गया जबरदस्त हो गया ठीक है तो अब हमने क्या किया है हमने जो है वो अपने पास आ, इमेज लगाना देख लिया है हमने एंकर लगाना देख लिया बाकी हमने अपने टेक्स्ट और पैराग्राफ्स की थोड़ी फॉर्मेटिंग देख ली है ठीक है तो अब जो है यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो स्किल है वो अचीव हो गया जिसके अंदर हमने इमेजेस तक एच एम एल के टैक्स जो है वो देख लिए हैं तो अब आपका जो है ए, काम वो ये है कि आप लोगों ने क्या करना है कि आपने एक जो हम नॉर्मली इस फॉलो कर रहे हैं हमने एक जो है ई कॉमर्स वेबसाइट छोटी सी जो है वो बनाने बनाएंगे इसके अंदर तो उसके लिए जो है वो हमने यहाँ पे अपनी वेबसाइट जो है वो उसका फ्रंट पेज सिंपल सा भी डिजाइन किया है अभी सिर्फ हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है इसके ऊपर जो अलाइनमेंट और इसकी जो सेटिंग्स हैं वो हम बाद में देखेंगे तो हमने सिर्फ एक लोगो लगाया है उसके बाद यहाँ पे हमने हेडिंग लगाई है उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाई है जिसके अंदर हमने तीन डिफरेंट पेजेस का जो है वो लिंक दिया है उसके बाद हमने पैराग्राफ लिखा है उसके अंदर हमने डिफरेंट टैग्स लगाए हैं अपने पास ये भी आपके पास टैग है और ये आपके पास जो अब है क्लियर है कि ये वाले सारे टैग्स किस तरह लगेंगे फिर उसके बाद हमने चार इमेजेस लगाए हैं उसके बाद यहाँ पे हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट और ये ऑर्डर लिस्ट लगाई है और यहाँ पे जो है आपने दो छोटे इमेजेस करके इनका साइज भी स्पेसिफाई किया है और यहाँ से हमने लिंक दिया है इसको अपने पास फेसबुक का और यहाँ पे इंस्टाग्राम का तो ये जो है वो एक सिंपल सा हमने फर्स्ट पेज जो इंडेक्स डॉट एच का पेज है उसको हमने स्ट्रक्चरली क्रिएट किया है तो आपने भी अब इसी तरह करना है कि आपके पास जो अ यहाँ पे उसी तरह आपने फोल्डर अपना क्रिएट करके और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसको आपने लाजमी फॉलो करना है कि आपने यहाँ पे जो है टेम्पलेट्स के अंदर अपनी सारी जो HTML के फाइल्स हैं वो रखनी है और स्टैटिक के अंदर जाके जाके इमेजेस के के फोल्डर के अंदर जा के आपने अपने सारे इमेजेस रखने हैं और इसी तरह वेबसाइट को आपने जो है ये फोल्डर क्रिएट करना है क्योंकि जो है जब हम इसको बैक एंड के साथ कनेक्ट करेंगे तो तब हमें ये वाला ही जो है स्ट्रक्चर फॉलो करना है ठीक है तो इसलिए जो है वो आपने इसी तरह अपनी डिजाइन करनी है वेबसाइट तो हम इसी को आगे ग्रो करेंगे और फिर हम जो है वो ओवरऑल पीछे से जो डाटा है वो अपने पास इसमें लेके भी आएंगे तो ये जो है वो फर्स्ट uh, हमारा आज का जो था कि हमने इमेजेस uh, तक जो है वो देख लिया है हमने हमारे पास बाकी आगे जो दो चीज़ें हमारी रह गई हुई हैं वो एक हमारा जो है वो टेबल्स uh, को शो करना और साथ हमारे फॉर्म्स को शो करना तो अभी जो है वो अगर हम विलिंग हैं तो हम इसको कवर कर सकते हैं क्योंकि हमें जो है वो मोस्टली आगे जो काम है जो आप लोगों ने पहले नहीं किया हुआ उसके ऊपर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करें तो आज जो है वो हमारी दो चीजें रह गई हुई हैं उनको भी हम अगर कवर कर सकते हैं अगर आप लोग विलिंग हैं तो हम पांच मिनट की ब्रेक के बाद इनको टच कर सकते हैं ठीक है तो ये जो हैंड रेस हो रहे हैं वो विलिंग है मैम ठीक है हैंड वाले जो है, वो बच्चे बता दें जो विलिंग है ठीक हो गया टोटल हमारे पास जो है सेवेंटी अटेंडीज हैं इस टाइम पे और हमारे पास तकरीबन ट्वेंटी जो हैं वो हैंड रेज हो गए हैं ठीक है और नीचे भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं अब तो काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है चलें फिर हम ना पांच मिनट जो है वो ब्रेक करते हैं ताकि मुझे भी ज़रा सांस मिल जाए तो उसके बाद जो है वो हम आ, इसको कंटिन्यू करते हैं 一般在哪？ अच्छा बच्चों अच्छा, अब हम जो है ना सेकंड कंटेंट uh, देखते हैं कि हमारे पास जो है ना आ, अभी हमने HTML में चीजें कर ली हुई हैं। हमारे पास HTML के टेक्स्ट और HTML में करना है ये दोनों चीजें हमने देखी तो अब हम जो है वो टेबल्स को और फिर उसके बाद हम फॉर्म टेबुलर फॉर्म के अंदर कोई डाटा शो करना है तो हम उसका टैग किस तरह लगे तो अब जो है हमारे पास आ, करते हैं कि अपने पास जो है वो देते हैं अपने पास जो हमने पहले काम किया हुआ था और अब हम स्पेसिफिकली टच करते हैं कि हमने जो है वो टेबल का टैग जो है वो कैसे लगाना है अब उसके लिए आपके पास जो है वो एक टेबल का टैग अवेलेबल है आपने टेबल का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग लगा लिया अब इसके अंदर जो है वो एक आपके पास जो है वो टेबल की जिस कि आपके पास टेबल के जो आपके पास स्पेसिफिकली टेबल हेड है वो आ रहा है और फिर नीचे आप जितनी मर्जी उस ऐड कर सकते हो जो कि टेबल की बॉडी होगी उसके लिए दो आपके पास टैग्स अवेलेबल हैं एक टेबल का हेड और एक टेबल की बॉडी यहाँ पे अपने पास हम यहाँ पे जो है वो टेबल का आ, सबसे पहले टेबल का हेड पास पी एच ad टेबल हेड का टैग है तो हम सबसे पहले टेबल हेड का टैग लगाएंगे और फिर उसके बाद एक हम जो टैग लगाएंगे टेबल की बॉडी का टैग होगा तो हमने टेबल की बॉडी का टैग लगा लिया टैग हमने लगा लिया टेबल हेड और टेबल की बॉडी फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि टेबल के जो हमारे पास यहां पे अ हेडर हैं वो हमने शो करने हैं और ये हमारे पास एक इसको भी हम रोकेंगे

टैग लगाएंगे वो आपके पास टी एच का टैग है कि हम उसको कह रहे हैं कि ये आपके पास टेबल हेड का फर्स्ट जो आपने डाटा देना है वो आपके पास आ रहा है लेट्स से दे दिया इसको सेव करके अपनी वेबसाइट पे देखते हैं कि हमारे पास नेम लिखा हुआ आ रहा है क्या जबरदस्त है उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो अगला टेबल हेड देते हैं कर लेते हैं या इसके लिए आने के हम यहां पे एंटर ना दें ताकि जो है वो हमारे पास जगह थोड़ी ठीक से नजर आ रहा हो यहाँ पे कॉपी किया हमने यहाँ पे जो है वो नेम के बाद लेट्स से आ, एज दे दी उसके बाद लेट्स से एक और हमने जो है वो अपने पास फील्ड दे दी जिसके अंदर हम ईमेल दे रहे हैं अब अगर हम यहाँ पे देखें अपने पास वेबसाइट के ऊपर तो आपके पास नेम एज और ईमेल आ रहा है लेकिन ये है कि आपके पास यहां पे कोई भी उसकी बाउंड्री शो नहीं हो रही है तो अगर हम इसकी बाउंड्री करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे टेबल के साथ उसकी एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर की और हम उसको वो वन दे देते हैं तो उसके साथ ही क्या हुआ कि आपके पास टेबल का जो बॉर्डर है वो आना शुरू हो गया है जिसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि कहाँ पे आपका एक सेल खत्म हो रहा है और कहाँ से अगला सेल स्टार्ट हो रहा है ये हमने जो है वो अपने पास टेबल का जो है वो हेड है डिजाइन कर लिया है अब अगर हम इसकी टेबल की बॉडी डिजाइन uh, करना चाहते हैं उसके अंदर जितनी भी हम रोज देना चाहते हैं वो दे सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पे अपने पास एक टेबल रो का दोबारा से टैग ऐड करना है इसका मतलब है कि अभी हम स्पेसिफिकली एक टेबल रो जो है वो बना रहे हैं इसके अंदर अब जो हमने डाटा देना है तो टेबल की बॉडी के अंदर जब भी आपने डाटा देना है तो टी टैग के अंदर नहीं दोगे आप आप दोगे अपने पास टेबल डाटा टी डी के टैग के अंदर तो अब जो टी डी का टैग है आपके पास इसके अंदर आप यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हो आप कहते हो एक्स वाई जी के बाद आपने अब आप इसकी जो है वो यहाँ पे एज देनी है तो एज हम लेट्स 12 उसके बाद हमने उसकी जो है वो ईमेल देनी है हम दे देते हैं लेट्स से एट द रेट ऑफ अब हम जाके देखते हैं हमारे पास वेबसाइट पे क्या चेंजेस हुई हैं तो आपका जो है

कॉपी करके कंट्रोल करके अगर चेक करो तो वो आपके पास इसी तरह कर रहा है कि उसने आपके पास दोनों दे दिए हैं ठीक है लेकिन ये है कि हमारे पास आ, बेटर आ, जो है वो अप्रोच ये क्योंकि हमारे पास एक ही हेड होता है तो इसलिए जो है आँजी. वो हम एक ही उसको यूज करें दूसरा ये कि आप टीएच के टैग की जगह पे यहाँ पे टी डी का टैग भी यूज कर सकते हो उसमें कोई टेबल लेटर आपके पास लेकिन अगर आप टी डी का टैग यूज करते हो तो अब ये देखो कि टी हेड के टैग टी ए टी हेड के टैग की वजह से जो था वो आपके पास बोल्ड डाटा आ रहा था टी डी के टैग की वजह से आपके पास जो है वो अनबोल्ड डाटा आ रहा है तो सिर्फ ये इशूज हैं आपके है। पास तो इसलिए बेटर ये है कि हम जो है वो हेड के अंदर सिर्फ एक ही रो देंगे जो आपके पास टेबल रो होगी और बॉडी के अंदर आप जितनी मर्जी रोज दे सकते हो ओके मैम थैंक्स या तो ये जो है हमारे पास

अगर आप चाहते हो हर रो के अंदर नया डाटा या आप नई रो बनाना चाहते हो जैसे अभी तो हमने टेबल बनाया ना उसमें तीनों दफा आपने यही जो टीआर है इसी को कॉपी पेस्ट किया इसकी तीन से चार रोज बन गई है तो अगर हम नया एक ऐसा टेबल बनाना चाहते हैं जिसमें हर रो में डिफरेंट डाटा हो तो फिर हम टैग हम हर रो जी जी ठीक है सिर्फ आपको उसका डाटा चेंज करना है तो हम इसका डाटा चेंज कर देंगे यहाँ पे हम जो है वो वो बी एट रेट ऑफ कर कर देंगे यहां हम जो है है आर टी वाई देते हैं लेट से ठीक है, तो इस तरह आपका जो है अब अगर डाटा देखते हैं तो ये आपके पास एक्स वाई जी ए बी सी आर टी वाई ये डाटा आपके पास इस तरह चेंज हो जाएगा टैग्स उसी तरह यूज होंगे उसके अंदर जो सिर्फ डाटा है वो आप अपनी मर्जी से जो सा भी डालना चाहते हो वो डाल दोगे

और नीचे जो ई थी वो आपके पास बड़ी थी तो जो आपके पास सबसे बड़ा डाटा होगा अगर रेट से हम यहाँ पे बड़ा डाटा दे दिया है तो वो यहाँ पे आपका इसका सेल का खुद ही जो है, वो कर देगा। तो ये जो है वो जो सबसे बड़ा डाटा होगा उसके साइज के मुताबिक आपका जो है वो सेल का साइज हो जाएगा ठीक है यही क्वेश्चन था क्वेश्चन सर थैंक यू सही हो गया तो अभी हमने क्या किया है चार हमारे पास जो है उसकी आ, हमने फील्ड्स बनाई हैं जो आपके पास चार कॉलम्स हैं लेकिन हमने जो रोज ऐड किए हैं उसके अंदर हमने सिटी का डाटा नहीं डाला तो जिसकी वजह से उसने उसका बॉर्डर भी अभी सेट नहीं करके दिया आपके पास तो अगर हम जैसे ही यहां पे एक और रो जो सिटी के लिए हम डाल रहे हैं वो हम डाल देते हैं अपने पास टी के टैग के अंदर तो इसके साथ ही हम लेट्स से यहाँ पे जो है वो लाहौर के लिए दे देते हैं तो अब आपके पास इसके लिए डाटा आ गया है बाकियों के लिए नहीं आया तो ये अब आपकी मर्जी है कि आप जो है वो जिस तरह डाटा डाल रहे हो अगर सारे डाटा आपने डालना है तो आपको जो है वो मैम लाहौर के अलावा एक और टेबल डाटा एंटर कर दें उसमें पांच कर दें आ, क्या बनेगा रो, रो, में ज्यादा कर दें रो में ज्यादा कर दें जी जी हाँ इसमें हम जो है वो टेबल हेड की जगह पे हमने यहाँ पे लेट से उसकी एजुकेशन uh, एड़ ऐड कर दी है एजुकेशन हम कह देते हैं एफ जी क्या तो अब ये देखो कि आपका जो है वो आ, टेबल का हेड में नहीं आ रहा एक्स्ट्रा लेकिन ये कि टेबल की रो में आपके पास जो है वो एक और टेबल डाटा आ रहा है जी ठीक है सही हो गया तो यही हमारे पास जो है इसके अंदर टेबल में यही चीजें हैं अब आपकी मर्जी आप उसको जो है जितने मर्जी टेबल हेड के अंदर टेबल हेड uh, के वो डाटा देते जाओ टेबल आपके जो रोज हैं उसके अंदर देते जाओ तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए टेबल हेड टेबल बॉडी उसके अंदर टेबल रो के अंदर हमने जो है वो अपने टैक्स चेंज करने हैं टी से बोल्ड हो जाएगा टी डी से जो है वो बोल्ड नहीं होगा क्या yeah, अब हम चलते हैं अपने पास्ट फॉर्म के अंदर अब हम जो है ना वो यूजर से जब भी हमने डाटा इनपुट लेना है अभी जितना भी हमने काम किया है वो हम डिफाइंड पहले से जो डाटा है वो यूजर को दिखा रहे हैं अब हम अगर यूजर को डाटा दिखाना नहीं चाहते यूजर को उससे इनपुट लेना चाहते हैं डाटा तो फिर हमें जो है वो जो यूज करना पड़ेगा वो हमारे पास है फॉर्म जिसके थ्रू हम यूजर से इनपुट लेंगे तो अब आपने क्या करना है अपने पास जो फॉर्म है उसका टैग आपने लगाना है और इस फॉर्म के अंदर जो है वो अब आपके पास जो है वो मल्टीपल इंफॉर्मेशन है कि आपने जो है वो उसे क्या क्या चीज इंफॉर्मेशन इनपुट ले रहे हो ठीक है इनपुट लेने से पहले जो है वो हम एक दफा ये देख लेते हैं क्योंकि जब भी आपने फॉर्म यूज करना है तो इसका मतलब ये है कि आप यूजर से डाटा इनपुट ले रहे हो अब जब यूजर डाटा इनपुट करेगा तो उसकी बेस पे आपको आगे कुछ ना कुछ काम करना है कि आपने या तो डाटा पीछे अपनी फाइल के अंदर जाके स्टोर करना है या आपने जो है वो वेरीफाई करना है कि उसका डाटा वैलिड है कि नहीं है तो ये जो सारी चीजें हैं उसके लिए जो है वो हमारे पास एक जो कॉन्सेप्ट हमें सीखने की जरूरत है वो हमारे पास मैथड है कि किस मैथड से आपका डाटा जो है वो पीछे जो आपका जहाँ पे बैक एंड है पे ट्रांसफर होगा ठीक है तो उसको जो है वो जरा हम क्विकली टच कर लेते हैं, बाकी आप इन टच करोगे, जब आप बैक एंड डिजाइन करोगे ठीक है तो उससे पहले जो है वो हम ये देख लेते हैं कि आपका जो है जब भी आपका डाटा जो है वो आपने फॉर्म से पीछे बैक एंड पे भेजना है तो ये इसको हम बोलते हैं कि आपकी ये जो एच रिक्वेस्ट जा रही है कि जब यूजर जो है वो सबमिट का बटन प्रेस करेगा तो इसका मतलब ये है कि उसने जो भी डाटा दिया है वो हम पीछे बैक एंड पे भेजेंगे और वहां से जो है वो वेरीफाई हो के फिर आपका आएगा कि ये डाटा वैलिड है या नहीं है तो जब भी आपका इस तरह फॉर्म का वो बटन प्रेस करता है सबमिट का बटन प्रेस करता है तो आपकी एक एच रिक्वेस्ट जो है वो पीछे सर्वर के ऊपर जाती है जहाँ पे वो आप जिसको हम बैक एंड बोल रहे हैं अभी और फिर वहां से जो है वो रिस्पॉन्स आता है कि ये आपके पास वैलिड है यूजर या वैलिड नहीं है तो ये जो है वो पूरा आपका http रिक्वेस्ट रिस्पांस साइकिल इसको हम बोलते हैं ठीक है तो ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है http स्टैंड्स फॉर तो http का तो हमें पता है हाइपरटेक्स्ट tp जो है वो ट्रांसफर प्रोटोकॉल है कि आप किसके थ्रू डाटा जो है वो भेज रहे हो तो अब जब भी आप हमने कहा कि यहाँ पे जो है डाटा हमने डाला लेट्स से उसने कार्ड की इंफॉर्मेशन डाली उसने कार्ड का नंबर डाला और वो ऑर्डर करने के लिए उसने जो है वो डाटा सबमिट किया तो ये जो है अब डाटा पीछे जाके वेरीफाई होना है कि क्या ये काम ठीक हुआ है या नहीं है तो वो जो डाटा आपके पास पीछे बैक एंड पे जा रहा है अब जब भी बैक एंड पे जाएगा ठीक है तो हमने कहा यहाँ से उसने बटन प्रेस किया आपके पास और ये जो है आपके पास एच रिक्वेस्ट सर्वर तक गई है अब सर्वर ने जो है वो आपके पास वापस भेजा रिस्पांस के उसने डाटा को शो करवाना है उसने बताना है कि यूजर वैलिड है या नहीं है तो वेब सर्वर जो है वो आपके पास एक रिस्पांस भेजेगा तो अब चूंकि ये जो है आपके पास वेब ब्राउजर से सर्वर तक और फिर वहां से डेटा वापस आ रहा है तो आपके पास दो मेथड्स हैं, जिसके थ्रू आप अपना जो डाटा वेब ब्राउजर से बैक एंड तक भेजोगे वहां से आपका फिर डाटा वापस आएगा दो तरीके हैं आपके पास अब वो कौन कौन से हैं डाटा भेजने के तरीके एक जो है वो आपके पास है गेट मैथड कि जब भी आपने फॉर्म बनाना है तो उसके साथ आप मेथड स्पेसिफाई कर दोगे कि आपका गेट मेथड है तो अभी हमने फॉर्म का टैग लगा लिया हुआ है अब हम यहाँ पे जो है वो मेथड लिखते हैं और यहाँ पे हम उसको जो मेथड है वो कर देते हैं गेट ठीक है उसके बाद जो है दूसरा आपके पास सेकेंड वे उसके अंदर आप मेथड उसको बताओगे कि गेट नहीं है आपके पास मेथड जो है वो पोस्ट है तो हम जो है यहाँ पे गेट की जगह पे पोस्ट भी यूज कर सकते हैं

क्या है जो पासवर्ड है वो भी यहाँ पे आपका वेब यू के ऊपर शो हो रहा होगा अगर आपने मेथड गेट किया होगा ठीक है लेकिन अगर आपने मेथड पोस्ट किया हुआ है तो क्या होगा कि जो आपकी रिक्वेस्ट है उसकी बॉडी के अंदर जो है वो आपके पास डाटा ट्रांसफर होगा वो वेब यू के थ्रू नहीं होगा वो आपके पास जो है यहाँ पे जो उसकी बॉडी होगी उसके अंदर यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो आपके पास हिडन तौर पे जाएगा वो यूआरएल के थ्रू नहीं जाएगा तो ये जो है आपके पास अभी हम इसको एक्सप्लोर भी करते हैं तो उसके लिए अब हम ये जो है ना अभी हमने सबसे पहला जो मेथड है वो अपने पास गेट मेथड यूज किया है तो अब हम गेट मेथड के थ्रू देखेंगे कि अगर हम इस तरह डाटा भेजें तो आपके पास क्या होगा तो अब हम जो है यहाँ पे वापस आ गए अपने पास मेथड जो है वो अभी हमने अपने पास गेट यूज किया है ठीक है अब हमने क्या करना है यूजर से इनपुट लेनी है ठीक है उसके लिए जो है पहले हमें उसको एक मैसेज डिस्प्ले करना है कि आप अपना यूजर नेम इनपुट करो जिस तरह हम उसको पहले सी आउट करके कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करते हैं तो अभी हमने जो इन्फॉर्मेशन अब उसको डिस्प्ले करनी है वो हम लेबल के अंदर करेंगे कि आपने जो है आ, आ, क्या डाटा इनपुट करना चाह रहे हो लेट से हमने लिखा यूजर नेम उसके बाद अब हमने क्या करना है अब यूजर को एक एरिया देना है जिसके अंदर वो इनपुट दे सकता हो तो उसके लिए आपके पास जो है वो इनपुट का टैग है आप इनपुट का टैग यूज करते हो ठीक है अब के के लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं कि हम उसे इनपुट टेक्स्ट लेना चाह रहे हैं ठीक है तो अब अगर हम इसके अपने वेब पेज के ऊपर जाके देखें तो उसने क्या किया आपके पास यहाँ पे यूजर ने और साथ उसने जो है वो आपके पास ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स दे दिया है जिसके अंदर आप इनपुट कर सकते हो अपना डाटा अब अगर आप चाहते हो कि अगली लाइन में शो हो अब ये हमें हर चीज पता है कि आप क्या कर सकते हो यहाँ पे अपने पास बी आर का टैग लगा सकते हो ताकि आपके पास जो यूजर नेम का लेबल है वो ऊपर शो हो ये नीचे शो हो अगर आप चाहते हो कि ज्यादा बीच में आपके पास आ जाए डिस्टेंस तो आप दो बी आर के टैग लगा लो तो ये हमने क्या किया यूजर नेम और साथ उसके लिए जो है ये डाटा इनपुट करने के लिए हमने फील्ड दे दी जिसके अंदर वो आपके पास जो है जितना भी डाटा जो है वो इनपुट कर सकता है ठीक है तो इस तरह जो है वो हम उसको हर चीज डिस्प्ले करेंगे अब अगर हम चाहते हैं कि आपके पास जो है अगला हम लेवल लगा लें तो हम ये काम करते हैं यहाँ पे कि आपके पास यूजर नेम यहाँ पे हम एक बीआर का टैग दे देते हैं ताकि ये आपके पास Uh, हर यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो आपके पास अलग अलदा चला जाए हमने पासवर्ड के लिए एक अपने पास टैग लगा लिया लेबल लगा लिया अब जो इनपुट हमने लेनी है उसकी हमें सिर्फ टाइप चेंज करनी है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो टाइप्स में है कितनी टाइप्स हैं तो ये हमारे पास सारी अवेलेबल टाइप्स हैं जिसमें हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं तो अभी चूंकि हम पासवर्ड की इनपुट लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे टाइप पासवर्ड कर देते हैं ठीक है तो अब हम जब जाके अपने पास वेबसाइट पे देखते हैं तो ये आपका यूजर नेम आया हुआ है और ये आपके पास जो है वो पासवर्ड आया हुआ है अब जब मैं इसमें इनपुट करती हूँ तो ये देखोगे कि कितनी जबरदस्त है कि उसने जो है वो आपके पास खुद ही पासवर्ड जो है वो हिडन रखा है और उसने उसके जगह पे आपके पास बुलेट शो कर दिए हैं तो सिर्फ हमें यहाँ पे टाइप पासवर्ड करना है तो आपके पास जो है वो उसका इनपुट जो है वो डिफरेंट हो जाएगी

बॉक्स के अंदर हम इतना डेटा डालते हैं कि हमारे पास बॉक्स से बाहर चला जाए तो वो जो है आपके पास डेटा आगे जाता जा रहा है ठीक है और हम वापस अपना कर्सर पीछे लेके आते हैं तो वो आपके पास फिर पीछे आ जाएगा ठीक है तो ये जो है जितना बॉक्स हमने भी स्पेसिफाई किया हुआ उतना ही जाएगा उतना ही रहेगा और नहीं इसकी लेंथ एडजस्टेबल करने के लिए हम जो है वो सी के साथ डील करेंगे उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि ज्यादा आपने उसको टेक्स्ट बॉक्स के लिए जगह देनी है तो आपके पास एक और है लेट से हम यहाँ पे उसको कहते हैं योर क्यूरी के लिए आप कोई उसे इनपुट लेना चाह रहे हो उसके लिए आपके पास जो है ना यहाँ पे ऑप्शन होता है टेक्स्ट एरिया का तो आप यहाँ पे टेक्स्ट एरिया देते हो तो अब हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये देखो कि उसने जो है वो आपके पास थोड़ा सा बड़ा दे दिया इन्फॉर्मेशन है, 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 है? तो है अभी हम ये कर सकते हैं है, से से सेट कर लें लेकिन फिर अगेन uh, ये जो हमारा काम है ये स्टाइलिंग से है तो स्टाइलिंग से जो है हम काम इसका uh, ये भी आप कर सकते हो कि इसको जो है खेच uh, के छोटा बड़ा कर लो लेकिन ये है कि अगर आप खुद

और हम जो है इसको कहते हैं कि अब हम उसको साथ भी इनपुट लेना चाहते हैं और यहाँ पे जो है वो पहले हम बी का टैग भी लगा देते हैं अपने पास और उसके बाद हम यहाँ पे उससे इनपुट ले लेते हैं जो कि अब हम उसको बताएंगे कि टाइप जो है वो हमारी ईमेल है और ये जो है अब हमने सेव किया अब ये देखो कि जो लेबल है उसका क्लोजिंग टैग हम लगा रहे हैं जो इनपुट है उसका हम क्लोजिंग टैग नहीं लगा रहे हैं। तो अब हम जब जाते हैं हमारे पास तो ई का भी आपके पास आ गया है और ई के लिए जो है वो आप ये इंफॉर्मेशन अपने पास दे रहे हो ठीक हो गया जबरदस्त है अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज ये है वो ये कि जो लेबल होता है आपके पास उसको आपको इस इनपुट के साथ जो है वो स्पेसिफिकली बाइंड करना ज्यादा बेटर अप्रोच है कि आपको पता हो कि इस इनपुट के साथ आपने जो है ये वाला टेक्स्ट मैसेज जो है वो डिस्प्ले किया हुआ है तो उसके लिए आप क्या काम करते हो एक आपके पास जो है इनपुट की प्रॉपर्टी है आईडी और यहाँ पे आप कोई भी आईडी दे देते हो लेट्स से कि ये स्पेसिफिक हम बता रहे हैं कि इसके लिए हम ये आइडेंटिफायर है कि सिर्फ इस इनपुट के लिए हम ये यूजर नेम का आइडेंटिफायर रख रहे हैं आपकी मर्जी है आप जो मर्जी आइडेंटिफायर जो है वो अपने पास रख सकते हो आईडी रख सकते हो अब आपको क्या करना है आपको सिर्फ इसको बाइंड करना है कि ये जो इनपुट है आपके पास ये इस लेबल के साथ है तो उसके साथ आपको फॉर लगाना है और आपने सेम जो यहाँ पे आईडी दी है वो आपने आईडी डी यहाँ पे दे देनी है तो ये गुड प्रैक्टिस है कि आपको जो है जो आपने इनपुट के साथ जिस लेबल को बाइंड किया हुआ है आप इसकी आई डी यहाँ पे फॉर के प्रॉपर्टी के अंदर उसको दे दो तो सेम काम हम यहाँ पे करेंगे जो हमारी पासवर्ड है उसके हम फॉर के साथ यहाँ पे जो है वो पासवर्ड लिख देंगे और यहाँ पे जो इसकी आपके पास आईडी है वो हम पासवर्ड सेट कर देंगे इसी तरह यहाँ पे जो है वो आपके पास ईमेल के लिए है तो हम इसकी एक आ, आईडी बनाएंगे ईमेल और ये हम इसके साथ बाइंड कर देंगे ठीक है तो ये आ, इससे हमारा फ्रंट एंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन ये कि जब हमने बाद में इसमें डाटा डिस्प्ले करना है और इधर से डाटा रिट्रीव करना है तो वो हमारे पास ज्यादा अच्छी अप्रोच है और उसमें हमारे पास फिर इशू नहीं होता तो इसलिए हमने ये किया है कि बाइंड कर दिया है पहले ही Uh, ताकि जो है वो हमारे पास उसको इजीली uh, हम कर लें। अब इसी तरह आपके पास मल्टीपल इनपुट फील्ड्स हैं हम चाहते हैं कि हमने टेक्स्ट uh, पासवर्ड और ईमेल इनपुट ले लिया है उसके अलावा हम कहते हैं कि यूजर से हम जो है वो इनपुट लेना चाहते हैं डेट में ठीक है तो ये मैंने सेलेक्ट किया उसने आपको जो है वो टाइप डेट खुद ही सेट कर दिया है जिस तरह आपके पास एक आइडेंट रेक्टिफायर के लिए आईडी है उसी तरह आपके पास नेम भी है इसको भी हम जब बैकएंड के साथ कनेक्ट करेंगे तो तब हम ये देखेंगे कि नेम और आईडी जो है वो हमारे पास क्या करता है तो अभी सिर्फ हमने जो है वो टाइप डेट रखी है और इसका लेबल नहीं लगाया तो अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो ये देखें कि आपके पास जो है वो डेट के लिए डेट पिकर खुद ही आ गया है और उससे जो है वो आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो तो जौन सी भी डेट सेलेक्ट करोगे वो आपके पास शो हो जाएगी ठीक है तो जबरदस्त है कि बिल्कुल छोटे से हमारे पास टैग्स हमने बस लगाने हैं उसके मुताबिक हमारा जो है वो सारा काम सेट होता जा रहा है तो हमने जो है यूजर नेम पासवर्ड ईमेल का, का काम कर लिया अब ये देखो एक और चीज के आ, इसके अंदर और मजे की जो चीज है जब हम लगाते थे वैलिडेशंस हम कहते थे कि जब तक यूजर जो है यूजर नेम ना दे तब तक जो है हमने उससे इनपुट लेते रहना है या हमने उसको कहना है कि ये रिक्वायर्ड है लाजमी उसने इनपुट देनी है ठीक है तो हम यह, यहाँ पे इसके लिए सिर्फ इतना सा काम है कि आपके पास एक और एट्रीब्यूट है जिसको आ, नाम है आपके पास रिक्वायर्ड और अगर मैंने सिर्फ रिक्वायर्ड लिखा है तो आपके पास जो है वो क्या करेगा यहाँ पे आ, अभी हमने चूंकि बटन नहीं लगाया तो अभी हम सिर्फ एक काम करते हैं कि एक जो है वो अपने पास बटन जो है वो लगा लेते हैं जिसे हमने सबमिट करवाना है ठीक है तो ये आपके पास एक इनपुट और उसकी टाइप सबमिट जो है वो हम बटन के तौर पे एक दफा लगा लें फिर हमें जो है ये चीज क्लियर हो जाएगी तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि अपने पास और यहाँ पे टाइप अपने पास सबमिट लगाते हैं तो अब मैंने यहाँ पे देखो किया तो ये आपके पास जो है इसका टेक्स्ट सबमिट uh, क्यूरी का लिखा हुआ आ गया है अगर मैं इसका जो है वो टाइप स्पेसिफिकली बताना चाहती हूँ तो आप यहाँ पे इसके अंदर जाके वैल्यू लिख सकते हो और वैल्यू लिख के आपका जो भी आ, आप अपने बटन के ऊपर शो करना चाहते हो वो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा ठीक है तो हमने एक बटन भी लगा लिया है जिसकी हमने जो है वो टाइप सबमिट रखी है और यहाँ पे हमने एक और जो काम किया है वो ये किया है कि यूजर नेम जो है उसके साथ हमने रिक्वायर्ड लगाया है ठीक है तो अब क्या होगा कि अगर मैंने यूजर नेम अपने पास खाली छोड़ा है और मैंने अपने पास जो है वो पासवर्ड कुछ ऐसा दे दिया है ई मैंने ऐसी दे दी है अब मैं लॉग करती हूँ तो लॉग जैसे ही मैंने किया है तो साथ ही उसने जो है वो मेरे पास यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया है के प्लीज फिल आउट दिस फील्ड ठीक है तो हमें वैलिडेशंस जो है वो इतनी ज्यादा जो है वो उसके फंक्शंस अलग से लिखने का अब इसके अंदर एचटीएमएल में जरूरत ही नहीं है कि आपको सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है और वो खुद ही जो है नहीं? वो आपके पास आ, उसको कर देगा कि आपको ये वाली फील्ड लाजमी चाहिए अब जिस अगर हमने फिल आउट दिस फील्ड किया तो अगर हमने फिल आउट दिस फील्ड की जगह कुछ और लिखना हो तो अगर हमने उसकी जगह पे कुछ और लिखना है तो वो जो है आपके पास स्पेसिफिकली इसको भी हम देखेंगे अभी जो HTML के अपने खुद की चीजें हैं हम उनको यूज कर रहे हैं इसके अलावा जो है हमारे पास कुछ इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम देखते हैं कि आपके पास जो है ना यहाँ पे हमने डिस्कस की हुई है ये वाली कि अभी हमने अपनी मर्जी से जो है वो उसका टेक्स्ट नहीं चेंज करे हम जो है जो उसने हमें दिया हुआ है वही हमारे पास फिल आउट मैसेज है अगर हम मैसेज चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो जो है वो फिर हम अपने फर्दर चीजें हैं जो हमारे पास आगे, आ, specific तो काम होंगे सी एस में नहीं वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में होगा तो वो अच्छा। हम उसके केस में देख सकते हैं ठीक है तो अभी सिर्फ एच टी की अपनी जो है हमारे पास वो चीजों को हम देख रहे हैं जो इसकी और अवेलेबल चीज है एक और वो आपके पास ये है कि पासवर्ड की अगर हम लेट से लेंथ चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जो है वो मिनिमम लेंथ जो है वो हम बताते हैं कि मिनिमम लेंथ आपके पास आ, कितनी होनी चाहिए हम कहते हैं कि मिनिमम लेंथ जो है वो आपकी सिक्स डिजिट्स होनी चाहिए उसके बगैर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो अब अगर हम जाके यहाँ पे देखें तो मैंने सिर्फ दो तीन दो डिजिट्स दिए यहाँ पे मैंने जो है वो यूजर नेम दे दिया ठीक है अब मैंने जब लॉग किया तो उसने यहाँ पे आपको मैसेज खुद ही डिस्प्ले कर दिया है तो उसके अभी जो के हैं, उन्हीं को हम जो है वो यूज कर रहे हैं हम अपना जब डिस्प्ले करना चाहेंगे तो उसके लिए जो है वो हमें इसके खुद फंक्शन लिखने पड़ेंगे और वो जब हम जवाब स्क्रिप्ट करेंगे तो तब हम उसको डील करेंगे ठीक हो गया अच्छा जी अब हम यहाँ पे ना एक चीज जो आपको हमने बतानी थी वो ये कि हमने स्पेसिफिक लेंथ भी दे दी उसकी ठीक है अब मैंने जब लॉग इन किया तो अब ये देखो कि जो आपका ईमेल एड्रेस है वो आपने वैलिड नहीं दिया हुआ ऐट द रेट ऑफ जी या डॉट कॉम नहीं लिखा हुआ तो उसकी वजह से उसने यहाँ पे भी आपको हाईलाइट कर दिया है कि ये आपका वैलिड ई नहीं है तो अब इसके लिए भी जो है वो आपको क्या काम करना है कि यहाँ पे स्पेसिफिकली एट द रेट और फिर उसके बाद डॉट कॉम लिखोगे और लॉग इन करोगे तो फिर जो है आपके पास यहाँ पे डाटा जो है वो और सबमिट हो जाएगा ठीक है तो अब जब आपके पास डाटा हम यहाँ पे सबमिट करते हैं आ, जी जी ये रियल टाइम जब हम पासवर्ड दे रहे होते हैं फॉर एग्जांपल तो वो अगर लेंथ उसकी किसी स्पेसिफाइड करेक्टर से कम है तो वो रेड शो करता है और जैसे ही वो स्पेसिफाइड का हो तो जाता है तो वो ग्रीन करता है तो वो यहाँ पे हम किस करेंगे Uh, अभी के केस में हमने जो है वो उसमें कलर्स और ये सारी चीजें हमने नहीं की हुई है ठीक है अभी हम क्या कर रहे हैं हमने जो है एच डी एम एल के सिर्फ जो अपने इसके प्रॉपर्टीज हैं उनको यूज कर रहे हैं वो हाईलाइट कर रहा है उसको पता चल रहा है कि ये जो है लेंथ उसकी कम है ठीक है अब अगर हम चाहते हैं कि जब लेंथ उसकी जो है वो कम है तो ये वाला ब्लू की जगह पे ये रेड हो जाए आपके पास तो ये सारा काम जब हमने देखा स्टाइलिंग के अंदर जब हम करेंगे सी एस एस के अंदर तो फिर हम इसको जो है वो रेड भी कर सकते हैं फिर हम जो है वो इसको बड़ा भी कर सकते हैं इसका हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं तो ये वाला जो काम हम चेंज करेंगे वो हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में इसको करेंगे ओके okay. सही हो गया ठीक है तो हमने जो है ये चीज देख ली उसके अलावा जो है अब यहाँ पे हमारे पास जो जब सबमिट हो रहा है तो यहाँ पे जो है वो आपके पास इसके आगे जो है वो डाटा जाता है इसको अगर हम यहाँ पे देख लें चीजें बाकी खत्म करके अच्छा जी अगर हमने यूज़र नेम लिखा और हमने यहाँ पे लॉग इन किया वो आपका जो है वो चेंज हो जाता है लेकिन ये कि गेट मेथड से आपके पास क्या होता है कि यू आर एल के थ्रू जो है वो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन भेजोगे बैक एंड के साथ जब कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपका इसके बाद यहाँ पे सारा का सारा जो डाटा होगा ना वो यहाँ पे शो होगा फिर आपके बैक एंड पे जाएगा तो इसलिए जो है वो हम क्या करते हैं कि हम अपना जो मेथड है उसको मोस्टली पोस्ट यूज करते हैं ठीक है पोस्ट में क्या होता है कि आपका जो थोड़ा सा डाटा है वो सिक्योर हो जाएगा उसमें आपका यहाँ पे जब आप डाटा भेजोगे तो वो आपका वेब यूआरएल के ऊपर शो नहीं होगा ठीक है तो इसलिए जो है हमने क्या करना है कि जब भी हमने डाटा अपना सबमिट करवाना है और हमने जो फॉर्म बनाना है अपने पास तो मोस्टली हम जो मेथड है वो अपने पास पोस्ट रखेंगे ठीक है तो ये जो है इन डिटेल हम इसको देखेंगे जब हम बैक एंड के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो अभी सिर्फ ये बताना है हमने कि इसको हम अपने पास पोस्ट मेथड के साथ हमेशा डाटा भेजेंगे बाकी जो हमारे पास फील्ड्स रह गई हैं हमने टेक्स्ट पासवर्ड ईमेल देख लिया डेट देख ली दो तीन हमारे पास रह गई हैं चेक बॉक्स और रेडियो उसको हम देख लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ टाइप अपनी जो है वो टेक्स्ट की जगह पे लट से हम एक नया इनपुट बना लेते हैं और अब हम जो है वो अपने पास चेक बॉक्स करते हैं चेक बॉक्स करने से हम देखते हैं कि हमारे पास जो है कैसा शो होता है इसके लिए हम अपना जो है वो क्योंकि हमने सबमिट किया था तो अभी हमने पीछे जो है उसके साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ तो इसलिए जो है वो आपके पास पेज जरा थोड़ा सा मसला कर रहा है तो अभी जो है हम यहाँ पे चेक बॉक्स जब कर रहे हैं तो ये आपका चेक बॉक्स एक लग गया है अब इसके साथ आपको जो है वो लेबल बाद में लगाना है तो आप इसके बाद लेबल बता सकते हो कि ये चेकबॉक्स किस तरह है जिस तरह हम कहते हैं कि लेट से वो आपके पास होता है आ, आ, रिमेंबर मी में लेट से कि आप इसको चाहते हो कि वो आपका हमेशा डाटा स्टोर रखे तो आप इस तरह का काम भी कर सकते हो अपने पास तो ये अब आपका जो है वो चेकबॉक्स रिमेंबर मी के लिए लग गया है अगर आप चाहते हो यहाँ पे के, चेकबॉक्स की जगह पे लेट से एक और हमारे पास जो है वो इनपुट हम देख सकते हैं आपके पास है बटन की वो हम लगाते हैं यहाँ पे और टाइप हम इसको देते हैं यहाँ पे बटन और इसको अगर हम देखें तो ये जो है आपके पास एक बटन जो है वो आपके पास शो हो गया है ठीक है आप यहाँ पे इसको बटन की जगह पे अगर रेडियो बटन देना चाहते हो इसके लिए आपके पास बटन के लिए आपको यहाँ पे वैल्यू भी साथ लिखनी पड़ेगी कि आप उसकी वैल्यू बता रहे हो कि जो भी आप इसकी लेट से हम कहते हैं साइन इन तो अब वो जो है आपके पास बटन की आपके पास डेटा जो है वो शो हो गया है ठीक है तो आ, अगर हम इसकी बटन की जगह पे एक और है हमारे पास इनपुट वो है हमारे पास यहाँ पे उसकी टाइप रेडियो बटन रेडियो और इसको अगर हम लगाते हैं तो ये देखो कि ये जो है हमारे पास आ, सर्कल जो है वो शो हो गया हुआ है अगर हम दो तीन रेडियो अपने बटन यहाँ पे लगाते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो है वो आप लेबल लगा लो अपने पास और इसका लेबल जो है वो जो भी आप जेंडर में से कहते हो कि आपने जो है वो बताना है कि वो मेल है या फीमेल है तो so, ये जो है आप रेडियो बटन्स भी लगा सकते हो अब इसको हम देखें तो ये आपके पास जो है वो आ, रिफ्रेश कर लें इसको और अगर एक दफ़ा दोबारा देखते हैं कि क्या आपके पास पहले से आ, अभी कोई सिलेक्टेड नहीं है आपके पास बटन ठीक है आप रिमेंबर मी में करते हो टिक बॉक्स किया ठीक है आपने इसको जो है वो बंद किया उसके बाद यहाँ पे अगर आप मेल पे लगाते हो या फीमेल पे लगाते हो ये जो है आपके पास इनके बटन जो हैं रेडियो बटन्स या आपके पास चेक बॉक्सेस जो हैं वो आप लगा सकते हो ठीक है तो ये जो है आपके पास इनपुट्स लेने के डिफरेंट तरीके हैं अब हम क्या करेंगे जब हम बैक एंड के साथ कनेक्ट करेंगे हम यहाँ पे जो भी इनपुट देंगे उसके बाद हम कहते हैं जब ये आपका बटन क्लिक हो तो आपका जो डाटा है वो पीछे बैक एंड पे जाना चाहिए ठीक है तो ये सारा काम हम जो है जब इनको कनेक्ट करेंगे तो फिर हम ये सारा काम देखेंगे कि आपका जो है वो पीछे डाटा जा रहा होगा उसके लिए जो है वो हमें ये वाली आई को बताना पड़ेगा कि हमने इस इनपुट का डाटा डेटा भेजना है हमने इस इनपुट का डाटा कहाँ भेजना है इस इनपुट का डाटा कहाँ भेजना है तो उसके लिए जो है हम ये वाला सारा डाटा यहाँ से जो आप यूजर देगा उसको एक्सट्रैक्ट करके फिर अपने बैकएंड को भेजेंगे ठीक है तो वो हमारा ये पूरा साइकिल हम एक दफा कंप्लीट होता हुआ देखेंगे तो ये जो है अभी हमारा, हम जी जी मैम अगर हम चाहते हैं कि यूजर जो है वो मेल या फीमेल में से कोई एक ही सिलेक्ट कर पाए दोनों न सिलेक्ट कर पाए फिर ठीक है अगर हम चाहते हैं कि वो एक यूज कर पाए तो आप जो है वो उसका नेम जो है वो यहाँ पे सेट कर देते हो तो उसके लिए यहाँ पे आप नेम मेल और साथ हम उसकी यहाँ पे आईडी भी चूंकि हम देते हैं हमने दे दी आईडी और यहाँ पे हम इसकी आईडी दे देते हैं फीमेल और यहाँ पे हम इसकी आईडी दे देते हैं फीमेल अब अगर हम इसको जो है वो अपने पास चेक करते हैं एक अच्छा जी इसके लिए जो है ना वो आपको एट अ टाइम एक सेलेक्ट करना है तो नॉर्मली जो है ना वो आपके पास एक और इनपुट टैब होती है हम इसको यहाँ पे देखते हैं के, uh, आपके पास ठीक है एक चीज़ और उसके बाद हमारे पास जो है वो उसके ऑप्शंस होते हैं ठीक है और इसके जो है फर्दर ऑप्शन और यहाँ पे जो है हम इसका ऑप्शन एक दे देते हैं लट से और हम एक इसका ऑप्शन दे देते हैं ठीक है तो अब ये जो है आपके पास इस टाइम पे एट अ टाइम जो हम चाह रहे हैं वो एक चीज जो है वो आपकी पास सेलेक्ट होगी ओके मैम सही हो गया ठीक है तो अगर हम चाहते हैं कि इसको भी उसमें यूज करें तो वो आपको जो है स्पेसिफिकली यहाँ पे ऑप्शन के अंदर हम आ, ये जो है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा ये भी आ, है कि आप जो है एट अ टाइम सिर्फ एक रेडियो बटन ही सिलेक्ट करो आप ये इसको ऑप्शन में ये सिलेक्ट में ना देखो आप इसको जो है वो अ इसके अंदर लगाओ लेकिन ये कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा अभी मुझे उस तरह जो है वो एग्जैक्टली सही ठीक है सही हो गया अच्छा मैं मैं अब हमारे को नेम सेम देना पड़ता है। शायद नेम सेम कर देते हैं इसका नेम सेम कर देते हैं इसका हम कह देते हैं लेट्स से जेंडर कर देते हैं ठीक है तो हमने आईडीज डिफरेंट की हैं लेकिन हमने नेम जो है वो उसका सेम कर दिया है तो अब ये जो है वो आपका जबरदस्त है कि सिर्फ एट ए टाइम एक ही सिलेक्ट हो रहा है सही हो गया yes, अच्छा जी तो ये आपकी जो है वो इनपुट टैग्स हो गए हमने उसकी एट्रीब्यूट भी देख ली हैं हमने आईडी भी नेम भी वैल्यू भी देख लिया प्लेस होल्डर जो है वो एक चीज है कि अगर हम यहाँ पे प्लेस होल्डर लगा देते हैं से, जब हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिया था तो यहाँ पे हम अपने पास प्लेस होल्डर अगर लगा लें और प्लेस होल्डर में हम यहाँ पे लिख दें लेट से एंटर योर नेम और फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो ये जो है वो आपके पास थोड़ा सा लाइट कलर के अंदर जो है वो शो हो रहा है कि आप यहाँ पे आ, अपना नाम एंटर कर सकते हो जो भी हम यूजर को मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं वो हम लिख देंगे और जैसे ही वो यूजर बीच में टेक्स्ट एंटर करेगा तो आपका प्लेस होल्डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा ठीक है जबरदस्त हो गया मिनिमम लेंथ देख दी हमने मैक्सिमम लेंथ भी आप इसी तरह लगा सकते हो तो ये एट्रीब्यूट्स हैं जो आप डिफरेंट इनके लिए यूज कर सकते हो ठीक हो गया उसके बाद ये हमने देख लिया वैलिडेशन का कि जैसे ही आप उसका ईमेल लिखते हो तो हमने देखा था कि वो वैलिड ईमेल होगा तो फिर ही भेजेगा आपके पास और वरना नहीं भेजेगा तो ये आपकी एच टी एम एल ही वेलिडेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है जो हम साथ लगा लेते हैं इसी तरह आपके पास जो है यूजर नेम में हमने जैसे रिक्वयर्ड लिखा तो वो आपको बता देता है कि जब तक आप कुछ लिखोगे नहीं तब तक सबमिट नहीं होगा तो यहाँ पे हमने जो है वो एक सेलेक्ट का भी देख लिया कि अगर आपने जो है वो कोई डाटा डिफरेंट डाटा में से एक चीज़ सेलेक्ट करनी है तो आपके पास ये सेलेक्ट का टैग है और उसके मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप उसके ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर सकते हो ठीक है तो बाकी जो है आपके पास ये इस तरह की काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है ये आप इसको एक्सप्लोर करो रेडियो बटन्स को उसके अलावा फॉर्म सबमिशन के ऊपर डाटा किस तरह होना है आपकी जो वेलीडेसन है ये तो ज़्यादा इन डिटेल आप जो है इसको एक्सप्लोर करोगे तो चीज़ें जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी तो ये लिंक्स हैं आपके पास डिफरेंट पेजेस के जिनसे आप फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हो तो अब जो हमारा मेन टास्क है Uh, कल तक के लिए एक फ्रंट पेज हमने इंडेक्स डॉट एच का बना लिया था अब आपने क्या करना है जो प्रोडक्ट्स का पेज है उसके अंदर आपने जो है वो अपने पास टेबल डालना है और उसके अंदर आप जो है वो अपनी मर्जी से डाटा डाल सकते हो अभी हमने इसके अंदर नेम डिस्क्रिप्शन प्राइस और रेटिंग का जो है वो फील्ड्स रखी हुई हैं ठीक है तो एक और अब आपके पास पेज बनेगा प्रोडक्ट डॉट एच का जिसके अंदर आप टेबल डालोगे फिर उसके बाद थर्ड पे आपका जो टास्क होगा वो ये है कि आपने अपने पास लॉग का पेज बनाना है और लॉगिन के पेज के अंदर आपके पास यूजर नेम ईमेल पासवर्ड रोल मेल फीमेल और ये रिमेम्बर मी और साथ सबमिट का बटन लगा हुआ होगा तो अब ये देखो कि जितने भी पेजेस थे हमारे पास उसका लोगो उसका नाम और उसका जो है आपके पास यहाँ पे जो मेन्यू आ रहा है वो सेम है और साथ आपकी फुटर की इंफॉर्मेशन सेम है तो इसका मतलब ये है कि आपने एक दफ़ा हेडर के अंदर कोड लिख लिया एक दफ़ा आपने फुटर के अंदर कोड लिख लिया तो बाकी सारे पेजेस में आप उसको जो है सिंपली कॉपी पेस्ट करोगे सिर्फ आपका जो चीज चेंज हो रही है वो आपके मेन के टैग्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो रही है तो ये जो है तीन पेजेस जो हैं वो आप लोगों ने अब डिजाइन करने हैं हम ये करेंगे कि जो है ना नेक्स्ट उसको एक्सप्लोर भी कर, कल की क्लास में जो है वो पहले हम इसका सोल्यूशन डिस्कस कर लेंगे फिर उसके बाद अगला देखेंगे या हम ऐसा कर सकते हैं कि आपके साथ सोल्यूशन शेयर कर देंगे आप उसको पहले जो है वो एक्सप्लोर कर लो फिर हम उसकी कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे तो ये हम देख फाइनल कर लेते हैं कि जो है किस तरह इसको प्रोसीड करना है तो ओवरऑल हमारे पास एच के जो टैग्स हैं वो हमने बेसिक सारे टैग्स जो हैं वो कवर कर लिए हुए हैं तो होपफुली uh, जो है वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कुछ गेन uh, किया होगा आपने इंफॉर्मेशन नॉलेज तो बाकी यह कि जितना हम इसके ऊपर हैंड्स ऑन करेंगे जितना ज्यादा इसको हम यूज करेंगे तो फिर हमें जो है वो चीजें क्लियर होंगी और फिर जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा जो है वो हम इसको गेंद कर पाएंगे ठीक हो गया बच्चों यहाँ पे हम अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं तो इंशाल्लाह कल को फिर आठ बजे जो है वो हम दोबारा ज्वाइन करेंगे बाकी यह आप लोगों का है एक दिन का काम कि आप लोगों ने ये जो तीन पेजेस हैं वो डिजाइन करने हैं